इस सेशन में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के सारे 46 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो हमसे जेई मेन 2021 में पूछे गए थे और इसका क्वेश्चन पीडीएफ आपको नीचे मिलेगा इसके साथ साथ जो बच्चे इसे सेकंड टाइम सॉल्व कर रहे हैं आपको ये सवाल को जरूर से दोबारा करना है जो आपके स्क्रीन पे समय दिख रहा है तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस सेशन को तो ये अपना पहला सवाल है असिलेंड्रिकल वायर ऑफ रेडियस पॉइंट फाइव एंड कंडक्टिविटी दिस मच इज सब्जेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस मच ठीक है ये मिली वोल्ट है द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ करंट इन दी वायर विल बी एक्स क्यूब पाई मिली एम्पियर द वैल्यू ऑफ एक्स इज हाउ मच ठीक तो ये एक डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड सवाल है तीनों डेटा चीख चीख के कह रहे हैं कि फॉर्मूले को लगाना है एंड द फॉर्मूला इज जे इज इक्वल टू सिगमा इन टू ई ठीक है वे जे इज़ योर करंट डेंसिटी विच इज करंट पर यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया सिग्मा इज योर कंडक्टिविटी एंड ई इज़ योर इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है तो हमसे करंट पूछा है यानी कि एरिया सिग्मा ई एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वा दिस इज पाई मल्टीप्लाइड वाई रेडियस पॉइंट फाइव एम एम है यानी कि फाइव इंटू टें टू द पावर माइनस फोर मीटर सो फाइव इंटू टू द पावर माइनस फोर मीटर होल स्क्वायर राइट मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा इज फाइव इंटू टू द पावर सेवन मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड टेन मिली वोल्ट है ठीक है तो हम इसे मिली वोल्ट में ही छोड़ देते हैं क्योंकि हमें आंसर में एक मिली तो चाहिए तो यहाँ पर टू द पावर माइनस थ्री नहीं करते हैं लेट इट बी टेन ठीक है 10. तो अब जो हमारा आंसर आएगा दैट इज गोइंग टू बी इन मिली एम्पियर राइट सो दिस इज पाई मल्टीप्लाइड बाई ट्वेंटी फाइव टेंट टू द पावर माइनस एट मल्टीप्लाइड बाई फाइव इंटू टेन द पावर सेवन इंटू टेन अब आप ध्यान से देखिए टेन द पावर सेवन टेन ये कैंसिल सो दिस कैंसिल्वेंटी फाइव इंटू फाइव दैट इज वन ट्वेंटी फाइव और रादर फाइव क्यूब पाई मिली एम्पियर तो आपको दिख रहा है कंपेयर करने से कि एक्स की जो वैल्यू है दैट इज फाइव क्लियर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू द करंट थ्रू अ वायर डिपेंड्स ऑन टाइम एज दिस मच आपको फंक्शन दिया है करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम वेर अल्फा नॉट इज दिस मच बीटा इज दिस मच फाइंड द चार्ज क्रॉस्ड थ्रू अ सेक्शन ऑफ द वायर इन फिफ्टीन सेकेंड्स ठीक है कोई मुश्किल सवाल नहीं बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है करंट का इक्वेशन आपको दिया हुआ है एल्फा नॉट टी प्लस बीटा टी स्क्र आई को आप लिख सकते हो डी क्यू बाई डी टी डी टी को उधर ले चलते हैं सो एल्फा नॉट टी टी डी टी राइट अब इसे कीजिए इंटीग्रेट टाइम कहाँ से कहाँ तक जीरो से लेके फिफ्टीन सेकेंड्स तक है राइट right? तो आपको यहाँ पे चार्ज निकल आएगा इसे इंटीग्रेट कीजिए दिस बिकम्स अल्फा नॉट टी स्क्वायर बाई टू प्लस बीटा टी क्यूब बाई थ्री लिमिट ज़ीरो से लेके पंद्रह तक ठीक है अब एल्फा नॉट ट्वेंटी है दिस इज ट्वेंटी बाई टू मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर विच इज बेसिकली 225 प्लस बीटा की वैल्यू 8 है दिस इज 8 बाई थ्री मल्टीप्लाइड बाई फिफ्टीन क्यूब विच इज 225 ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाइड बाई फिफ्टीन राइट अब आप ध्यान से देखिए आप यहाँ पे 225 ट्वेंटी मल्टीप्लाइड बाई और क्या कॉमन ले सकते हैं लेटस सी Uh, एक फाइव भी कॉमन ले लीजिए राइट right? या फिर एक और काम कीजिए यहाँ पे टू को इससे कैंसिल कर दीजिए ये आपको टेन हो जाएगा एंड यू मे आल्सो कैंसिल दिस वन राइट अब यहाँ पे आप आसानी से फाइव कॉमन ले सकते हैं इवन टू भी कॉमन ले सकते हैं सो दिस बिकम्स वन प्लस यहाँ पे बचेगा सिर्फ फोर सो दिस बिकम्स टेन इंटू दिस सो टू टू फाइव जीरो मल्टीप्लाइड बाई फाइव एंड दिस इज गोइंग टू बी वन वन टू फाइव जीरो को लम एंड दिस इज योर ऑप्शन नंबर टू ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री अ सेल ई वन ऑफ ई एम एफ सिक्स वोल्ट एंड इंटरनल रजिस्टेंस टू ओम तो यहाँ पर दिया हुआ है आपको ये छह वोल्ट इंटरनल रजिस्टेंस दो ओम इसके बाजू में एक और सेल है फोर वोल्ट इंटरनल रेजिस्टेंस एट ओम ठीक है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पॉइंट्स एक्स एंड वाई एक्स और वाई के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा सर्किट में करंट कितना है अब आप ध्यान से देखिए आपके पास यहाँ पे दो बैटरी है एक ये वाली और एक ये वाली लेकिन ये दोनों अपोजिंग पोलरिटी में है तो और सीरीज में भी है तो ई नेट कितना हो जाएगा सिक्स वोल्ट माइनस फोर करंट जो होगा दैट इज गोइंग टू बी सिक्स माइनस फोर अपॉन टोटल रेजिस्टेंस यानी कि दो प्लस आठ विच इज टेन तो ये आपको हो गया वन बाई फाइव एम्पियर एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इज गोइंग टू बी दिस ठीक है ये सिक्स वोल्ट बड़ा है डोमिनेट करेगा ये डायरेक्शन को सो डायरेक्शन ऑफ करंट इज गोइंग टू बी लाइक दिस ठीक तो यहाँ की अगर बात करें सो दिस इज फ्लोइंग लाइक दिस ठीक अच्छा अब यहाँ पे अगर हम लोग सेल को प्लैरिटी दें सो दिस इज माइनस दिस इज़ प्लस करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस प्लारिटी प्लस माइनस ऐसे दे सकते हैं ठीक है, है हमसे पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्स एंड वाई सो लेट अस फाइंड आउट व्हाट इज वी एक्स माइनस वी वाई ठीक है वी एक्स माइनस वी वाई सो यू मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट तो सबसे पहले आपको मिलेगा ये चार वोल्ट का बैटरी लेकिन उसका नेगेटिव टर्मिनल मिला है सो विच मीन्स माइनस फोर फिर आपने आगे बढ़ा तो रेजिस्टेंस मिला नेगेटिव पुलैरिटी सो एट इंटू आई बट विद नेगेटिव साइन आई आर लिखना है ना सो एट इंटू आई एंड आई इज वन बाई फाइव दिस इज माइनस फोर माइनस वन पॉइंट सिक्स एंड दिस इज माइनस फाइव पॉइंट सिक्स ऑब्वियसली हमें यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड ही पूछा गया है सो दिस इज फाइव पॉइंट सिक्स वोल्ट दिस इज दंसर ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल क्वेश्चन नंबर फोर्थ यहां पे आपसे कहता है कि करंट करंट ये आम्पियर इस तरीके से आ रहा है राइट और यहां पर आई वन करंट यहां गया आई टू इधर गया ठीक है फिर दोनों इकट्ठा होकर मिल जाएंगे और यहां से आई वन आई टू एडअप होकर निकल जाएंगे हमसे पूछ रहा है वॉट इज द वैल्यू ऑफ आई वन ये आई वन करंट है तो है कितना राइट अब आप ध्यान से देखिए आप आई टू इंटू टू लिख सकते हो दिस इज टू इंटू आई टू दिस इज योर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल पी एंड आर ठीक है और इस सेम पोटेंशियल डिफरेंस को आप यहाँ से भी लिख सकते थे दैट इज़ आई वन इंटू टू प्लस आई वन इंटू टू राइट सो दिस इज बेसिकली फोर आई वन दिस इज़ फोर आई वन तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि आई टू इज़ इक्वल टू टू आई वन एट द सेम टाइम आपको ये भी पता है कि आई वन प्लस आई टू ही छः एम्पेयर है आई वन प्लस आई टू ही आपको छ एम्पियर है और आई टू की वैल्यू आपको पता है टू आई वन होगा सो so यहां से यू कैन सी दैट आई वन इज गोइंग टू बी योर टू एम्पियर सो आंसर इज टू आंसर इज टू ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इस सवाल में क्या कह रहा है द करंट आई एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो एंटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी रेस्पेक्टिवली फॉर द गिवन सर्किट इज़ हाउ मच ना दिस इज अ गुड क्वेश्चन ठीक है हालांकि ये सवाल में जो कॉन्सेप्ट यूज होगा बहुत थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे विच इज़ लर्नड विच इज लर्न इन द इन द टॉपिक ई एम आई राइट तो ये सवाल वहाँ भी डाला जा सकता था लेकिन इसमें जो नाइन्टी परसेंट से ज़्यादा कॉन्सेप्ट है वो करेंट इलेक्ट्रिसिटी के ही लगने वाले हैं दैट इज़ द रीजन आई कैप्ट ओवर हियर अब देखिए हमसे बोलता है कि समय शून्य पे और समय इन्फिनिटी यानी कि बहुत देर बाद स्टडी स्टेट पर हमें बताइए कि ये आई कितना है बैटरी से जो ये आई निकल रहा है वो आई कितना है सबसे पहले हम लोग बात करते हैं समय शून्य की अब आपको इंडक्टर का एक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए दैट एट टाइम टी इक्वल्स टू ज़ीरो इंडक्टर बिहेव्स एज एन ओपन सर्किट एंड एट स्टेडी स्टेट यानी कि टाइम टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे इट बिहेव एज अ प्लेन वायर वॉट डू आई मीन ये आपके पास दो टर्मिनल है टर्मिनल ए एंड बी और इसके बीच में एक इंडक्टर लगा है तो समय शून्य पे इस इंडक्टर को यहाँ से हटा दीजिए बिकॉज ये कोई करंट अलाउ नहीं करेगा अपने थ्रू पास करने के लिए एस एट इक्वल टू जीरो इट इज़ एज गुड एज कि बीच में कुछ था ही नहीं लेकिन वही वही समय इन्फिनी पे इट इज़ गोइंग टू अलाउ द एंटायर करंट टू पास थ्रू इट ठीक है एंड यू कैन रिप्लेस दिस इंडक्टर बाय अ सिंपल कंडक्टिंग वायर विदाउट हैविंग एनी रेजिस्टेंस ठीक अगर इस बात को आपने समझ लिया है तो अब ये सवाल सॉल्व करना उतना मुश्किल नहीं है समय शून्य की बात करें अगर तो हमने यहाँ से इंडक्टर को ही उड़ा दिया तो ये सर्किट में देखिए यहाँ पे इंडक्टर मैंने बनाया ही नहीं है अब हमें पता करना है कि वॉट इज़ दी करेंट ये करंट कितना है ठीक है ये करेंट कितना है राइट right? अब आपको दिखाई दे रहा है ना कि ये पाँच और चार आपस में सीरीज़ में है ये वाला पाँच और एक आपस में सीरीज में है यानी कि आप सर्किट को थोड़ा सा इस तरीके से रिड्रॉ कर सकते हो फाइव एंड फोर आर आर एन सीरीज़ तो यहाँ पे लिख दिया मैंने नाइन ओम राइट और ये फाइव और वन सीरीज़ में है तो ये हो गया आपका सिक्स ओम दिस इज़ योर सिक्स ओम एंड दिस इज़ योर ई ये करंट हमें निकालना है करंट निकालने के लिए पहले और इसको रिड्यूस कीजिए नौ और 6 आपका पैरल में है तो उसका कितना हो जाएगा सो आर इक्वेलेंट इज नाइन इंटू सिक्स अपॉन नाइन प्लस सिक्स राइट दिस इज नाइन इंटू सिक्स अपॉन फिफ्टीन यस फिफ्टीन दिस इज थ्री टू दिस इज फाइव सो दिस इज एटीन बाई फाइव राइट सो योर करंट इज इक्वल टू ई अपॉन आर इक्वेलेंट एंड आर इक्वेलेंट इज एटीन बाई फाइव So 18 और 5 आपका ऊपर चला गया तो पहले पार्ट के लिए करंट आया है 5e ई बाई एटीन फाइव ई बाई एटीन विच मीन्स क्या तो थर्ड ऑप्शन सही है या फिर फोर्थ ऑप्शन सही है ठीक है ये दोनों तो पॉसिबल नहीं है राइट ये वाला काम खत्म हो गया ना अस टॉक अबाउट द सेकेंड पार्ट द सेकेंड पार्ट ठीक है इसको यहाँ से हटा देते हैं लेटस मूव टू दी सेकेंड पार्ट चलिए तो सेकेंड पार्ट में क्या हो रहा है सेकेंड पार्ट में कहता है कि समय इन्फिनी पे जब इन्फिनीटी है देन वी कैन रिप्लेस दिस इंडक्टर बाय दिस प्लेन वायर जैसा डायग्राम में आपको दिख भी रहा है अब ये वायर आ जाने से क्या हो गया कि इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल अब सेम हो गया है बिकॉज दे आर कनेक्टेड थ्रू अ वायर बीच में कोई एलिमेंट नहीं है कोई रजिस्टर नहीं है कोई कैपेसिटर नहीं है नथिंग तो इन दोनों का पोटेंशियल अब सेम हो गया राइट right? सो वी हैव टू रीड्रॉ दिस सर्किट ताकि ये सवाल आपके कंफर्ट जोन में फिर आ जाए ध्यान से समझिए कुछ नामकरण कर दीजिए है ना इसको आप चाहो तो एक्स बोल दो इस वाले को वाई बोल दो इस वाले को अगर जेड बोला है तो इसको भी जेड बोलना पड़ेगा ठीक है अब आपका ये जो ई एम एफ है बैटरी है वो एक्स और वाई के बीच में है सो लेटस ड्रॉ एक्स एंड वाई और इसके बीच में ही आपका वो ई e है अब ध्यान से देखिए ये वाला जो पांच ओम है वो एक्स और जेड के बीच में है सो लेटस मार्क पॉइंट जेड ओवर हीयर तो ये पांच ओम एक्स और जेड के बीच में है तो दिखा दिया ये फाइव ओम और ये वाला फाइव ओम भी एक्स और जेड के बीच में है तो एक और रेजिस्टेंस दिखाना पड़ेगा इस तरीके से फाइव ओम ये वाला जो चार ओम है वो y और जेड के बीच में है सो लेटस शो इट लाइक दिस दिस इज योर फोर ओम और ये वाला वन ओम जो है वो भी वाई और जेड पॉइंट के बीच में है तो ये भी यहां पे दिखा दिया दिस इज योर वन ओम राइट right? अब अब आप ध्यान से देखिए ये दोनों पांच ओम आपस में पैरल में है राइट right? पैरल में है सो दिस बिकम्स वॉट फाइव बाई टू फाइव बाई टू और ये चार और वन भी आपस में पैरेलल में है तो इनका हो जाएगा फोर बाई फाइव इनका हो जाएगा फोर बाई फाइव ओम राइट नाउ दीज टू आर इन सीरीज तो इस सर्किट का आर इक्वेलेंट कितना हो गया फाइव बाई टू प्लस फोर बाई फाइव टेक टेन एज एज एल सी एम तो ये आपका हो जाएगा ट्वेंटी फाइव प्लस एट दैट इज थर्टी थ्री बाई टेन थर्टी थ्री बाई टेन आर इक्वेलेंट आ गया यानी कि करंट आपका हो जाएगा ई बाई आर इक्वेलेंट तो थर्टी थ्री और ऊपर आपका चला गया टेन सो टेन ई बाई थर्टी थ्री विच इज़ योर ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट सो दिस इज द करेक्ट आंसर फिफ्थ का फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर राइट सो दिस वॉज अ गुड क्वेश्चन ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल क्वेश्चन नंबर सिक्स देखने में डायग्राम थोड़ा सा डरावना है लेकिन सवाल बिल्कुल भी डरावना नहीं है ये सवाल आपको पोटेंशियल मीटर का है ठीक है तो सवाल में हमसे कहता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी ठीक है टेन मीटर लेंथ ये जो पोटेंशियो मीटर वायर है अपनी ये दस मीटर की है ये दस मीटर की है यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक मीटर एक मीटर एक मीटर एक मीटर ऐसे करके ये आपको टोटल दस मीटर की पोटेंशियो वायर है ठीक ओके ई अक्रॉस ए बी इज लार्जर देन ई वन एन ई टू एज वेल फॉर की के वन क्लोज्ड जब आपका की के वन क्लोज्ड है राइट वेन की के वन इज क्लोज द जॉकी इज एडजस्टेड टू टच दायर एट पॉइंट जे वन सो दैट देर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैलवानोमीटर तो जब की के वन क्लोज और के टू ओपन है तो इस पॉइंट पर आपको नल डिफ्लेक्शन मिलता है और जब K1 वन ओपन है और K2 टू क्लोज्ड है तब आपको इस J2 टू पॉइंट पे नल डिफ्लेक्शन मिल रहा है ठीक है द गैलवानोमीटर गिव्स द नल डिफ्लेक्शन आर J2. टू द वैल्यू ऑफ ई वन बाई ई टू इज ए बाई बी तो बताइए ए की वैल्यू क्या है ठीक हम लोगों को ये डायग्राम सिंप्लीफाइड तरीके में देखने का आदत है सो लेट मी ट्राई टू रिड्रॉ इट ताकि आपको थोड़ा सा और कंफर्टेबल हो ध्यान से देखिए इसे किस तरीके से हम लोग रिड्रॉ कर रहे हैं सो so, uh, ये हो गया आपका कैपिटल ई e, उसके बाजू में आपके पास रिहो है राइट फ्रॉम हियर यहाँ से ध्यान से देखिएगा ओके वेट अ सेकेंड वेट अ सेकेंड ये इस तरीके से है यहाँ पे छोटा डंडा ये बड़ा डंडा ठीक है बिकॉज इस बड़े डंडे के साथ ये रिहोस्टार्ड कनेक्टेड है और इस छोटे वाले डंडे के साथ ए पॉइंट कनेक्टेड है तो यहाँ पे मैंने बोल दिया ए पॉइंट और इस ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में आपका पोटेंशियो वायर है ठीक है तो ये ए बी हो गया आपका दस मीटर का पोटेंशियो वायर राइट और इस ए पॉइंट से फिर आपका यहाँ पे ये वाला सेटअप है ना आफ्टर सीइंग दिस यू वुड बी रादर कम्फर्टेबल अब आपको थोड़ा सा कम्फर्टेबल लग रहा होगा कि अच्छा हाँ ये सब तो हमने पढ़ा है अब आपको हम ये बता दें कि ये सवाल का डायग्राम गलत क्यों है ठीक है ऑल दो एन टी ए ने ना ही इस पर बोनस दिया ना कुछ दिया है एंड ऑलमोस्ट एवरी इंस्टीट्यूट विदाउट इवन मैंशनिंग एट इसको बिना मैंशन किए उन्होंने सही आंसर भी निकाल के रख दिया इसके अंदर ठीक है हालांकि ये डायग्राम गलत है अगर ये डायग्राम को हम लोग मान के चले तो इसमें कभी भी बैलेंसिंग पॉइंट आ ही नहीं सकता है राइट ये अगर आपका छोटा डंडा इस तरीके से है ये बिगर डंडा है तो यहां पे भी ये छोटा होना चाहिए और ये बड़ा होना चाहिए ठीक है ऐसा होगा तभी आपके पास नल डिफ्लेक्शन मिलेगा इस पर्टिकुलर डायग्राम के लिए तो नल डिफ्लेक्शन नहीं मिलने वाला है ठीक है इसका लॉजिक भी समझ लीजिए टू अंडरस्टैंड लॉजिक ऑल्सो सपोज मैंने इस पॉइंट को जीरो पोटेंशियल बोल दिया ठीक है सो दिस इज दिस पॉइंट कैपिटल ई राइट दिस पॉइंट कैपिटल की ई इसमें कोई करंट घूम रहा होगा ठीक है इसमें कोई करंट घूम रहा होगा एट द एंड ऑफ द डे बी पॉइंट का पोटेंशियल जो होगा वो भी आपको कुछ पॉजिटिव ही होगा यानी कि जीरो से लेके ए से लेके बी तक आप जब मूव करोगे तो आपके पास सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स ही होंगे पॉजिटिव पोटेंशियल के पॉइंट्स होंगे हालांकि जब आप यहाँ से आओगे लेट अस से दिस इज योर ई वन तो अगर ये वाला ज़ीरो है सो दिस विल बी माइनस ई वन दिस विल बी माइनस ई वन दिस विल बी माइनस ई वन और अगर बैलेंसिंग होना है तो माइनस ई वन अगर यहाँ है तो यहाँ पे भी ए बी पे भी कहीं पे एक माइनस ई वन पॉइंट होना पड़ेगा तभी आपका बैलेंसिंग हो पाएगा लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं है ये तो पॉसिबल ही नहीं है राइट विच मींस द डायग्राम इज रॉन्ग इस पर्टिकुलर डायग्राम के लिए तो आंसर आ ही नहीं सकता राइट विच विच इज़ वेरी क्लियर कि यहाँ पे थोड़ा सा uh, क्या तो ड्रॉइंग मिस्टेक है वॉट एवर सो लेटेस्ट करेक्ट द फिगर लेटेस्ट करेक्ट द फिगर एंड देन वी विल सॉल्व इट देन वी शैल सॉल्व इट ठीक है इन सबको हटा देते हैं यहाँ से एंड तो सिर्फ यहाँ पे छोटा सा चेंज हम ये कर सकते हैं किसी एक को बस बदल दो इसको इस तरीके से कर दो अब आपके पास बैलेंसिंग लेंथ आ जाएगा ठीक है अब आपके पास बैलेंसिंग पोजिशन आएगी ये ई वन है आपका ये ई टू है ठीक है अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं अज्यूमिंग दिस इज दी फिगर ना जब E1 वन बैलेंस्ड हो रहा है सपोज हम लोग पहले E1 की बात कर लेते हैं जब ईवन बैलेंस्ड हो रहा है सो वी नो दैट E1 वन इज इक्वल टू सम दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ ऑन दिस पोटेंशियोमीटर वायर ठीक है तो ये ऊपर वाला सर्किट में तो कोई बदलाव नहीं है यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट सेम रहेगा आप नीचे कुछ भी करिए पोटेंशियल ग्रेडियंट सेम रहेगा सो के मल्टीप्लाइड बाई एक्स बैलेंसिंग लेंथ बैलेंसिंग लेंथ अब आप ध्यान से देखिए जब आपका E1 वन कनेक्टेड है जब आपका E1 वन कनेक्टेड है तो बैलेंसिंग पॉइंट है ये J1 पे तो so, कितना लंबा वायर हो गया लेटस सी िस इज वन मीटर और अदर हंड्रेड सेंटीमीटर टू हंड्रेड सेंटीमीटर थ्री हंड्रेड सेंटीमीटर एंड दिस इज हंड्रेड माइनस ट्वेंटी यहां ट्वेंटी है दिस इज हंड्रेड माइनस ट्वेंटी तो टोटल वन टू थ्री थ्री हंड्रेड प्लस एट्टी दैट इज थ्री एट्टी सो दिस इज मल्टीप्लाइड बाई थ्री एट्टी अब अगर हम ई टू की बात करें सो ई टू इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट मल्टीप्लाइड बाई अब आपको यहाँ तक आना है अब आपको यहाँ तक आना है सो लेटेस्ट कम लेटस कम ये हो गया आपका हंड्रेड टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड फोर हंड्रेड फाइव हंड्रेड सिक्स हंड्रेड सेवन हंड्रेड प्लस सिक्सटी दैट इज सेवन सिक्सटी दैट इज सेवन सिक्सटी आपसे ई वन बाई ई टू पूछा है यानी कि थ्री एट्टी बाई सेवन सिक्सटी विच इज़ वन बाई टू और इस तरीके से हमारा जो ए आया है वो वन आया है और एन ने प्रोविजनल और फाइनल में यही आंसर की पे मेंशन किया है हालांकि ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर हम लोग एडवांस जैसे एग्जाम्स की बात करें जहां पे ऐसी गलतियां होने के नेगलिजबल चांसेस होते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए यहां पे मल्टी करेक्ट ट्विस्टिंग क्वेश्चन हो सकता था कि क्या इसमें बैलेंसिंग मिलेगा और बच्चे अगर हाँ बोल देंगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि इस पर्टिकुलर बैटरी के अरेंजमेंट के लिए आपको बैलेंसिंग लेंथ मिलेगा ही नहीं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवेंथ इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है अ वायर ऑफ वन ओम हैज अ लेंथ ऑफ वन मीटर इट इज स्ट्रेच्ड टिल इट्स लेंथ इंक्रीजेस बाय ट्वेंटी फाइव परसेंट दर्सेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस टू द नियरेस्ट इन टीचर एस वॉट तो अगर हम इनिशियल केस की बात करें रेजिस्टेंस इज गिवन बाई रो एल बाई ए तो ये हो गया हमारा इनिशियल रेजिस्टेंस अब बाद में क्या हुआ है इट इज स्ट्रेच टिल इट्स लेंथ इंक्रीजेस बाय 25 फाइव परसेंट ना वॉट इज दू लेंथ न्यू लेंथ इज एल प्लस वन फोर्थ ऑफ एल पच्चीस परसेंट से इंक्रीज आया है ना सो एल प्लस ट्वेंटी परसेंट ऑफ एल विच इज नथिंग बट फाइव एल बाई फोर राइट अच्छा वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा वायर की वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा तो हम कह सकते हैं कि लेंथ इन टू एरिया इज़ गोइंग टू बी कॉन्स्टेंट इज गोइंग टू बी कॉन्सटेंट तो अगर आपका लेंथ फाइव एल बाई फोर हो गया है तो आपका एरिया फोर ए बाई फाइव नहीं हो जाएगा इनिशियल एरिया अगर ए था तो बाद में फ़ोर ए बाई फाइव नहीं हो जाएगा ताकि इसका और इसका प्रोडक्ट फिर से एल इन टू ए ही आ जाए बिकॉज़ वॉल्यूम इज़ नॉट गोइंग टू चेंज आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट राइट ओके नाउ व्हाट इज द न्यू रेजिस्टेंस रो इनटू, 5l एल बाई फोर डिवाइड बाई फोर ए बाई इज़ 25 फाइव बाई रो l बाई ए राइट नाउ व्हाट इज रो l बाई ए दिस इज योर 1 ओम दिस इज़ योर 1 ओम सो दिस इज सिंपली 25 फाइव बाई ओम हमसे तो परसेंटेज चेंज पूछा है सो परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू चेंज अपॉन इनिशियल इंटू हंड्रेड ना चेंज इज़ ट्वेंटी फाइव बाई सिक्सटीन माइनस वन डिवाइडेड बाई वन इंटू हंड्रेड दिस फैलो इज गोइंग टू बी वॉट नाइन ऊपर नाइन आ जाएगा सो नौ सौ अपॉन सोलह नौ सौ अपॉन सोलह इसको डिवाइड कीजिए दिस इज गोइंग टू बी फिफ्टी सिक्स परसेंट नियरेस्ट इंटीजियर सो दिस इज योर करेक्ट आंसर ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट ओके तो आपके पास यहां पे रेजिस्टेंस का सर्किट दिया है हमसे पूछता है व्हाट इज दी नेट रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ए एंड बी ठीक है तो बहुत बच्चों को तो यहां पे सिंपली दिख भी रहा है कि ये क्या हो रहा है स्टिल अगर किसी को विजुलाइज करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो इसको करने के लिए क्या कीजिए ये जो सेक्शन है ठीक है आप तो ये समझ लीजिए कि जमीन पर ये चीज़ पड़ा हुआ है तो इस वाले सेक्शन को उठा के लिफ्ट करके उस तरफ रख दीजिए इस ई डी लाइन के उस तरफ रख दीजिए आई होप समझ में आ रहा है उसको वहाँ से पकड़ के उठा के ई डी के उस तरफ रख दीजिए और जब आप ऐसा करेंगे और सर्किट को आप देखेंगे तो वो कुछ ऐसा दिखाई देगा लेट मी रिड्रॉ इट ये आपको आर है आर है आर है दिस इज़ योर डी दिस इज योर ई दिस इज योर सी दिस वॉज योर टर्मिनल बी तो एक काम करते हैं ना बी टर्मिनल को भी उठा के इधर रख दिया ठीक है ना इस वाले को उठा के इधर रख दिया मैंने और इस वाले को उठा के इधर रखने वाले हम लोग सो दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस दिस इज योर टर्मिनल ए दिस इज आर एंड दिस इज आर नाउ यू कैन क्लियरली सी दैट इट इज अ बैलेंस्ड बीट स्टोन ब्रिज कंडीशन क्या होता है दिस इंटू दिस शुड बी इक्वल टू दिस इंटू दिस तो यहाँ पे है आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर यानी कि ये एक बैलेंस्ड बीच स्टोन ब्रिज है और अगर बैलेंस्ड है तो ये बीच वाले को रखने का कोई मीनिंग नहीं बनता नाउ इट इज़ ईजी आर और आर सीरीज में है सो दिस बिकम्स टू आर ये वाला आर और आर भी सीरीज में है सो दिस बिकम्स टू आर अब ये टू आर और ये टू आर आपस में पैरेलल में है यानी कि जो आर इक्वलेंट होगा वो आपको आर हो जाएगा टू आर टू आर पैरलर में है सो दिस इज गोइंग टू बी टू आर बाई टू विच इज यो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर ठीक सो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है यह हमसे पूछा गया था सिक्सटीन मार्च मॉर्निंग शिफ्ट में सवाल में कहता है कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ एल एरिया ऑफ प्रोसेक्शन कैपिटल ए एंड रजिस्टिबिटी रो इज कनेक्टेड बिटवीन द टर्मिनल ऑफ अ बैटरी अ पोटेंशियल डिफरेंस वी इज डेवलप्ड बिटवीन इट्स एंडस कॉजिंग एंड इलेक्ट्रिक करेंट ना इफ द लेंथ ऑफ द वायर ऑफ द सेम मटीरियल इज डबल्ड एंड एरिया ऑफ प्रोसेक्शन इज हाफ द रिजल्टेंट करंट वुड बी हाउ मच ठीक है तो करंट होगा आपका वी अपॉन आर राइट एंड रजिस्टेंस इज गिवन बाई रो एल बाई ए है कि नहीं लेकिन अब हमसे कहता है जो रेजिस्टेंस है दैट इज चेंज वाई बिकॉज द लेंथ लेंथ इज डबल्ड कहाँ पर लिखा हुआ है देखिए इफ द लेंथ ऑफ द वायर द सेम मटेरियल इज डबल्ड तो लेंथ आपका टू टाइम्स कर दिया गया है और क्रॉस सेक्शन एरिया आपका हाफ कर दिया गया है सो दिस बिकम्स फोर रो एल बाई ए ठीक है तो यहाँ से आप करंट निकाल देंगे दिस इज़ वी अपॉन आर की जगह ये लिख देंगे फोर रो एल बाई ए सो फोर रो एल और ए अपना ऊपर चला जाएगा सो दिस इज़ द आंसर वी ए अपॉन फोर रो एल दिस इज योर ऑप्शन नंबर वन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू इन द फिगर गिवेन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू फाइव किलो ओम रजिस्टर एक्स मिली एम्पियर तो हमें ये एक्स की वैल्यू पूछी जा रही है ठीक है so, सो हमें ये करंट आई बताना है तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि आई इज बेसिकली योर वी अपॉन आर इक्वेलेंट इस पूरे सिस्टम का इक्वेलेंट रजिस्टेंस कितना है वो सॉल्व करना होगा तो वी आपका ट्वेंटी वन है और आर इक्वेलेंट में आप ध्यान से देखिए इन तीनों का ये तीन आपके पैरेलल में है तीनों ही थ्री 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 ईच किलो ओम है तो इसका इक्वलेंट हो जाएगा वन किलो ओम फिर ये वन किलो ओम फाइव किलो ओम और ये वाला वन किलो ओम सीरीज़ में है सो दिस बिकम्स सेवन किलो ओम सेवन इंटू टेन टू द पावर थ्री ओम्स राइट सो दिस बिकम्स थ्री इंटू टेन टू द पावर माइनस थ्री एम्पियर और थ्री मिली एम्पियर खत्म तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो जाएगा थ्री चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री अरेजिस्टर्ड डेवलप्स फाइव हंड्रेड जूल ऑफ थर्मल एनर्जी इन ट्वेंटी सेकेंड्स वेन करंट इज वन पॉइंट फाइव एम्पियर राइट इफ द करंट इज़ इंक्रीज फ्रॉम वन पॉइंट फाइव टू थ्री एम्पियर वॉट विल बी द एनर्जी डेवलप्ड इन ट्वेंटी सेकेंड्स तो ध्यान से देखिए टाइम नहीं चेंज किया गया है पहले भी टाइम ट्वेंटी सेकेंड्स था और बाद में भी टाइम ट्वेंटी सेकेंड्स ही है अब जो हीट जनरेटेड होता है उसका इक्वेशन होता है आई स्क्वेर आर इन टू टी आप यहाँ पे ध्यान से देखिए रेजिस्टेंस नहीं चेंज हुआ है क्योंकि सेम रेजिस्टर से ही करंट इंक्रीज कराया गया है और टाइम नहीं चेंज किया है यानी कि हीट इज़ प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर राइट हीट इज़ प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर यहाँ पे हमें साफ दिख रहा है कि करंट हैज़ बिन डबल्ड 1.5 पॉइंट एम्पियर से 3 एम्पियर हुआ है करंट इज़ डबल्ड तो अगर करंट टू टाइम्स होगा तो हीट आपका फोर टाइम्स हो जाएगा यानी कि फोर इंटू फाइव हंड्रेड दैट इज़ टू थाउजेंड जूल्स ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर दी एनर्जी डिसिपेटेड बाई अ रजिस्टर इज टेन मिली जूल्स इन वन सेकेंड वेन एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ टू मिली एम्पियर फ्लोज थ्रो एट द रजिस्टेंस इज हाउ मच तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही है हीट इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी है कि नहीं हीट हमको दे रखा है टेन मिली जूल्स टू टेन इंटू टेन ड्र पर माइनस थ्री करंट हमें दे रखा है टू मिली एम्पियर सो टू इंटू टेन ड्र पर माइनस थ्री होल स्क्वायर राइट रेजिस्टेंस हमसे पूछा है और टाइम हमें दे रखा है वन सेकेंड तो यहाँ से हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस इज इक्वल टू टेन इंटू टू द पावर माइनस थ्री डिवाइडेड बाई फोर इंटू टू द पावर माइनस सिक्स राइट तो ये आपका हो जाएगा वन थाउजेंड और फोर इसको कट करेगा तो ये हो जाएगा आपका टू फिफ्टी सो द आंसर इज ट्वेंटी फाइव हंड्रेड ओम्स तो ये आपका हो गया ट्वेंटी फाइव हंड्रेड ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला सवाल क्वेश्चन नंबर फाइव इस सवाल में कह रहा है द करंट ऑफ 10 एम्पियर एग्जिस्ट इन अ वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया फाइव एम एम स्क्वायर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ दिस मच द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ईच क्यूबिक मीटर ऑफ द वायर इज व्हाट सो अगेन एक डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है आई इज इक्वल टू एन ई ए मल्टीप्लाइड बाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो हमसे सवाल में स्मॉल एन पूछा जा रहा है दिस इज योर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम सो एन को हम लिख सकते हैं आई अपॉन ई वी डी करेंट हमें सवाल में दिया हुआ है टेन एम्पियर इलेक्ट्रॉन का चार्ज वन पॉइंट सिक्स टेन टू द पावर माइनस नाइनटीन क्रॉस सेक्शन एरिया फाइव एम एम स्क्वायर है तो इसे टेन टू द पावर माइनस सिक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए एंड वेलोसिटी इज़ टू इन टू टेन टू द पावर माइनस थ्री राइट अच्छा तो यहाँ पे आपके पास माइनस नाइन्टीन माइनस सिक्स विच इज माइनस ट्वेंटी फाइव माइनस थ्री माइनस ट्वेंटी एट इन सब को ऊपर भेज दे अगर सो टेन टू द पावर ट्वेंटी एट डिवाइड बाई नीचे में क्या है फाइव इंटू वन पॉइंट सिक्स इज एट एंड एट इंटू टू इज सिक्सटीन राइट यस ओके ठीक है अच्छा अब क्या कर सकते हैं ये आपका हो जाएगा कितना दिस इज योर टू फाइव दिस इज योर एट अस डू वन थिंग यहाँ से एक काम करते हैं remove some hundreds so this is 5 into 100 multiplied by 10 to the power 26 divided by 8 right the apka hojaga 4 2 so, this is your 4 25 so this is 75 uh, 125 this becomes 62.5 multiplied by 10 to the power 26 or rather 625 into 10 to the power 25 and this is your option number 2 मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स अब ये सवाल आपका आया था सेवनटीन मार्च मॉर्निंग शिफ्ट को एंड दिस इज अ डिसेंट क्वेश्चन राइट सवाल में हमसे इसमें क्या कह रहा है द इक्वेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू रजिस्टर्स इज एस तो आपका दो रजिस्टर आर वन आर टू है दोनों सीरीज में कनेक्टेड है तो इसका इक्वेलेंट हमको कहता है एस है ठीक है वेन दे आर कनेक्टेड इन पैरल द इक्वेलेंट रजिस्टेंस इज पी तो इसका इक्वलेंट हो जाएगा आर वन आर टू डिवाइड बाई आर वन प्लस आर टू फिर हमसे कहता है कि इफ एस इज इक्वल टू एन पी इफ एस इज इक्वल टू एन टाइम्स पी देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ एन इज वॉट अब ध्यान से देखिए एस को रिप्लेस कर दीजिए आर वन प्लस आर टू से और पी को रिप्लेस कर दीजिए आर वन आर टू डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू से ठीक है क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए दिस बिकम्स योर आर वन आर टू होल स्क्वायर स्क्वायर को अगर खोल दे सो दिस बिकम्स आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर प्लस टू आर वन आर टू इज इक्वल टू ऊपर में है आपका एन आर वन आर टू राइट नाउ डिवाइड बोथ साइड्स बाय आर वन आर टू डिवाइड बोथ साइड्स बाय आर वन आर टू तो यहाँ पे आपको दिखेगा आर वन बाई आर टू प्लस आर टू बाई आर वन प्लस टू इज इक्वल टू एन ठीक ना अज्यूम आर वन बाई आर टू टू बी अनदर वेरिएबल टी ठीक है सो so, इसे हम लिख सकते हैं टी प्लस वन बाई टी प्लस टू और इस एन को इधर ले आओ सू माइनस एन इज इक्वल टू ज़ीरो टेक टी एज एल सी एम दिस बिकम्स टी स्क्वेयर प्लस वन प्लस टू माइनस एन इन टू टी इज इक्वल टू ज़ीरो राइट तो ये आपका बन गया है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं दिस बिकम्स योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अगर इस क्वाड्रटिक इक्वेशन का एक रियल सोल्यूशन होना है देन डिस्क्रिमिनेंट शुड बी मोर देन इक्वल टू जीरो ठीक है आर वन आटो का वैल्यू एग्जिस्ट करना है ना सो so, उसके लिए हम यहाँ पर कह सकते हैं दैट डिस्क्रिमिनेंट शुड बी मोर देन इक्वल टू जीरो सो डिस्क्रिमिनेंट आपका हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बी यहाँ पर टू माइनस एन है सो टू माइनस एन होल स्क्वायेयर माइनस फोर शुड बी मोर देन इक्वल टू जीरो राइट इसे बस आप सॉल्व कर दीजिए आप जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे यू आर गोइंग टू गेट एन इज़ मोर देन इक्वल टू फोर एन इज मोर देन इक्वल टू फोर एंड विच मीन्स की जो एन की मिनिमम वैल्यू है दैट इज गोइंग टू बी फोर सो फोर इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं एक अच्छा सवाल था ये क्वेश्चन नंबर सेवेंथ टू सेल्स ऑफ ई एम एफ टू ई एंड ई विद इंटरनल रेजिस्टेंस आर वन एन आर टू रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड एन सीरीज एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर एट विच पोटेंशियल डिफरेंस एकरॉस द टर्मिनल ऑफ द फर्स्ट सेल बिकम्स जीरो तो ये आपका पहला सेल है ठीक है टू ई अलॉन्ग विद इंटरनल रेजिस्टेंस आर वन इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाए उसके लिए कैपिटल आर की क्या वैल्यू होनी चाहिए ठीक है मान लेते हैं कि इस पॉइंट का पोटेंशियल है जीरो सो क्वेश्चन के हिसाब से इस पॉइंट का पोटेंशियल भी जीरो होना चाहिए तभी तो इस पूरे सेल के अक्रॉस ये पूरा कॉम्बिनेशन सेल कहलाता है ठीक है इस पूरे कॉम्बिनेशन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होना चाहिए तो अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल मैंने जीरो माना है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी जीरो हो जाएगा ठीक है अच्छा अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल जीरो है सो आई कैन से दैट पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट इज़ गोइंग टू बी माइनस टू ई माइनस टू ई ठीक है अब आप ध्यान से देखिए ये जो रेजिस्टेंस आर वन है इसके अक्रॉस पोटेंशियल लेफ्ट साइड माइनस टू ई है और इधर जीरो है यानी कि करंट जो इस आर वन में फ्लो कर रहा होगा एंड दैट टू इन दिस डायरेक्शन बिकॉज ज़ीरो इज़ हायर पोटेंशियल एंड माइनस टू इज़ लोअर पोटेंशियल ये करंट को हम लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस आर वन दैट इज़ गोइंग टू बी टू ई डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस आर वन ठीक है और इस करंट को हम एक और तरीके से लिख सकते थे अज्यूमिंग टेकिंग द एंटायर सर्किट पूरे सर्किट में जो नेट ई एम एफ है दैट इज़ टू ई प्लस ई दिस इज़ टू ई प्लस ई एड करेंगे क्योंकि दोनों सेल सपोर्टिंग नेचर में है और जो इक्वलेंट रेजिस्टेंस है दैट इज आर वन प्लस आर टू प्लस कैपिटल आर ठीक तो दोनों करंट तो है सेम ही अलग अलग तरीके से बस निकाला गया है सो टू ई अपॉन आर वन शुड बी इक्वल टू थ्री ई डिवाइडेड बाय आर वन प्लस आर टू प्लस कैपिटल आर राइट तो यहाँ से आपका ई सही कैंसिल हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए दिस इज योर टू आर वन प्लस टू आर टू प्लस टू इंटू कैपिटल आर इज इक्वल टू थ्री इंटू स्मॉल आर वन राइट हमें टू आर हमें कैपिटल आर निकालना है सो दिस बिकम्स टू आर इज इक्वल टू आर वन माइनस टू आर टू यानी कि कैपिटल आर की वैल्यू हो जाएगी आर वन बाई टू माइनस आर टू दिस इज दी करेक्ट ऑप्शन नंबर टू आगे बढ़ते हुए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट ना दिस इज अ गुड क्वेश्चन ये आपका अनबैलेंस वीड स्टोन ब्रिज है और बहुत रेयरली इस पर सवाल आ, आता है ठीक है सो दिस दिस इज अ गुड क्वेश्चन देखने में ये लगता है कि शायद बैलेंस वीड स्टोन ब्रिज होगा लेकिन आप चेक कर सकते हो हंड्रेड इंटू फाइव इस फाइव हंड्रेड टेन इंटू सिक्स सिक्सटी सिक्स हंड्रेड राइट तो प्रोडक्ट जो है वो बराबर नहीं है इसका मतलब ये एक अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है हमसे सवाल में कहता है कि बीच में बी और डी के बीच में एक गैलोनोमीटर कनेक्टेड है जिसका रेजिस्टेंस है पंद्रह ओम तो बताइए इस गैलवनोमीटर से कितना करंट पास कर रहा होगा ठीक है ये करंट को निकालने के लिए वी मस्ट नो वॉट इज दी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस फिफ्टीन ओम वो पता चल जाएगा तो मेरा काम खत्म हो जाएगा ऐसे सवाल को करने के लिए बेस्ट होगा कि आप इस्तेमाल करें पॉइंट पोटेंशियल मेथड का कहने का क्या मतलब है टर्मिनल ए और सी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो दस वोल्टी है लेटस से कि इस पॉइंट का पोटेंशियल मैंने मान लिया ज़ीरो तो इस पॉइंट का पोटेंशियल विल बी टेन ठीक है अच्छा इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल मुझे पता नहीं है तो इसे एक्स मान लिया और इस वाले का भी मुझे पता नहीं है तो इसे मैंने वाई मान लिया ठीक ना लेटस राइट जंक्शन रूल किरचॉफ्स जंक्शन रूल एट बी किरचॉफ्स जंक्शन रूल एट बी ठीक है बी पॉइंट पे एक जंक्शन रूल पहली बात जंक्शन रूल क्या है मान लीजिए आपके पास ये एक जंक्शन है और यहां से अलग अलग रास्ते निकल रहे हैं ठीक है इसमें करंट आई वन जा रहा है इसमें करंट आई टू जा रहा है इसमें करंट आई थ्री जा रहा है और ध्यान से देखिए मैंने सारे करंट्स को जंक्शन से दूर जाता हुआ लिया है तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि सिग्मा आई इज इक्वल टू जीरो ठीक है सारे करंट का जो समीशन होगा दैट इज गोइंग टू बी जीरो ठीक है तो ये अपना किचॉफ जंक्शन रूल है राइट सो लेट अस राइट दिस रूल दिस इक्वेशन फॉर जंक्शन बी ठीक जब यहां के लिए लिखोगे सो वॉट इज करंट इन दिस हंड्रेड ओम पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए अपॉन रेजिस्टेंस हंड्रेड ठीक है ध्यान से समझिएगा इस बात को हम तो यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स माइनस टेन डिवाइडेड बाई हंड्रेड प्लस एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई फिफ्टीन प्लस एक्स माइनस ज़ीरो डिवाइडेड बाई टेन दिस समीशन शुड बी इक्वल टू जीरो ठीक है अच्छा अब यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं फाइव uh, से इसे थोड़ा सा रिड्यूस कर देते हैं फाइव टू फाइव थ्री एंड दिस इज गोइंग टू बी फाइव ट्वेंटी राइट लेट अस टेक सिक्सटी एज योर एल तो ये ऊपर चला जाएगा आपका थ्री एक्स माइनस थर्टी प्लस ये हो जाएगा आपका सिक्स एक्स माइनस सिक्स वाई राइट ओके नो दिस इज गोइंग टू बी ट्वेंटी राइट ट्वेंटी एक्स माइनस ट्वेंटी वाई प्लस थर्टी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो ठीक है सो थ्री एक्स ट्वेंटी एक्स सो ट्वेंटी थ्री और ये आपका हो गया फिफ्टी थ्री सो फिफ्टी थ्री एक्स माइनस ट्वेंटी वाई इज इक्वल टू थर्टी ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर वन ठीक ना सिमिलरली डी पॉइंट के लिए लिखिए डी पॉइंट पे फिर से लगाइए किर्च ऑफ जंक्शन रूल सो अब वाई माइनस जीरो अपॉन फाइव प्लस वाई माइनस एक्स अपॉन फिफ्टीन वाई माइनस एक्स अपॉन फिफ्टीन प्लस वाई माइनस टेन अपॉन सिक्सटी इज इक्वल टू जीरो ठीक अच्छा so this is 5. ये थ्री से कट जाएगा ये आपको कटेगा ट्वेल्व से अस टेक ट्वेल्व एज एल सी एम दिस बिकम्स योर ट्वेल्व वाई ये हो जाएगा आपका फोर वाई माइनस फोर एक्स प्लस ये आपको हो जाएगा वाई माइनस टेन इज इक्वल टू जीरो इम्प्लाईज ट्वेल्व वाई 4y 16y 16y y 17 y this is minus 4x and here we have minus 10 this is equal to 10 which is your equation number 2 right now your job is to solve these two equations to get the value of x and y right so solving equation number 1 and 2 you are get uh, going to get the value of x and y Okay. hai x aapko aega 0. 0.865 volt राइट right? और वाई आपको निकल के आएगा पॉइंट सेवन नाइन टू वोल्ट ठीक है इसका मतलब एक्स आपका हायर पोटेंशियल पे है और वाई लोअर पोटेंशियल पे है तो करंट इस डायरेक्शन में होगा और जब करंट निकालना होगा दैट इज एक्स माइनस वाई अपॉन फिफ्टीन ओम राइट और जब आप इसको सॉल्व करोगे सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट ऑप्शन नंबर थ्री दैट इज योर फोर पॉइंट एट सेवन मिली एम्पियर ठीक है तो ये जो सॉल्विंग पार्ट है ये आप यू कैन ट्राई इट आउट मेजर पोर्शन ये था टू हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई और उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं सवाल में करंट निकालना है सो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रजिस्टर ठीक क्वेश्चन नंबर नाइन द वोल्टेज एक्रॉस टेन ओम रजिस्टर इन द गिवन सर्किट इज़ एक्स वोल्ट तो बताइए एक्स की वैल्यू क्या है हमें इस टेन ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ठीक है और कह रहा है कि अगर ये एक्स है तो ये एक्स की वैल्यू क्या है सो आई कैन से दैट दिस एक्स इज गोइंग टू बी

तो इस पूरे सर्किट का आर इक्वलेंट निकालना होगा दैट इज़ योर टेन प्लस ये टेन इस पूरे के साथ सीरीज में है और ये दोनों पैरल में है राइट सो दिस इज योर फिफ्टी मल्टीप्लाइड बाई ट्वेंटी डिवाइडेड बाई फिफ्टी प्लस ट्वेंटी ठीक है सो दिस इज़ वन सेवेंटी मल्टीप्लाइड बाई टेन डिवाइडेड बाई टेन प्लस ये आपको कितना है फिफ्टी टू ट्वेंटी वन थाउजेंड वन थाउजेंड बाई सेवेंटी विच मीन्स हंड्रेड अपॉन सेवन सो वन सेवेंटी इंटू टेन डिवाइडेड बाई यहाँ पे आप सेवन एल लेंगे दिस बिकम्स वन सेवेंटी डिवाइडेड बाई सेवन वन सेवेंटी वन सेवेंटी गेट्स कैंसल्ड सेवन ऊपर जाएगा सो दिस बिकम्स योर सेवेंटी वोल्ट एंड दिस इज आंसर सो एक्सेस नथिंग बट सेवेंटी चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल क्वेश्चन नंबर टेंथ ओके सो कंसिडर सेवेंटी टू सेंटीमीटर लॉन्ग ए बी वायर ये ए बी वायर का लेंथ आपको सेवेंटी टू सेवेंटीमीटर दिया हुआ है द गैलवानोमीटर जॉकी इज़ प्लेस्ड एट पी राइट ऑन ए बी एट अ डिस्टेंस एक्स सेंटीमीटर फ्रॉम ए दैलोनोमीटर शोज अ जीरो डिफ्लेक्शन द वैल्यू ऑफ एक्स इज गोइंग टू बी हाउ मच ठीक है तो बेसिकली आपको ये एक बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज कॉन्सेप्ट बेस्ड है यह आपको एक मीटर ब्रिज का सवाल है राइट right? हमें वहाँ पे पता होता है दैट दिस रेशियो दैट इज ट्वेल्व अपॉन सिक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन दिस रिमेनिंग लेंथ एंड दिस इज वॉट सेवेंटी टू माइनस एक्स दिस इज योर सेवेंटी टू माइनस एक्स तो बस इसे सॉल्व कर देंगे ये आपको टू है क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए सो वन फोर्टी फोर माइनस टू एक्स इज इक्वल टू एक्स यानी कि 144 फोर्टी फोर इज इक्वल टू थ्री एक्स सो एक्स का वैल्यू हो गया 144 फोर्टी फोर बाई थ्री दिस इज योर थ्री फोर एंड थ्री एट सो दिस इज योर फोर्टी एट सेंटीमीटर दिस इज दी आंसर ठीक है चलिए अगला सवाल एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑल्सो सवाल में हमसे कह रहा है कि टू वायर्स ऑफ सेम लेंथ एंड थिकनेस तो आपके पास दो वायर है ये ग्रीन है और एक येल्लो है दोनों का ही लेंथ सेम है और दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम है ठीक है हैविंग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सिक्स ओम सेंटीमीटर एंड थ्री ओम सेंटीमीटर सो दिस इज बेसिकली रो रोवन एंड रो रोटू आपको इसका रो रोवन दिया हुआ है सिक्स ओम सेंटीमीटर और दूसरे वाले का रो रोटू आपको दिया हुआ है थ्री ओम सेंटीमीटर इन दोनों को पैरेलल में लगाया गया है द इफेक्टिव रेजिस्टिविटी इन रो ओम पर सेंटीमीटर द वैल्यू ऑफ रो इज़ वॉट ठीक है सो जिस तरीके से हम लोग थर्मल प्रॉपर्टीज़ में वो इक्वेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी का सवाल करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग इसको भी कर सकते हैं सो so हमें बताना है कि इस पूरे सेटअप का रो इक्वेलेंट कितना है ठीक है so तो निकालने का तरीका क्या होगा कि आप एक वायर को एज्यूम कर ले जिसका लेंथ और टोटल डायमेंशन इस पूरे सेटअप के बराबर हो यानी कि लेंथ तो एल हो लेकिन ये क्रॉस सेक्शन एरिया टू ए हो जाए ठीक है और मान लेते हैं कि इसका रो इज़ रो इक्वेलेंट राइट तो हमें ये रो इक्वेलेंट ही सवाल में पूछ रहा है अब इक्वेलेंट निकालने का तरीका क्या होता है अप्रोच क्या है कि लेफ्ट वाले का रेजिस्टेंस और राइट right वाले का रेजिस्टेंस सेम होना चाहिए ठीक है सो so, राइट right वाले का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा रो इक्वेलेंट रो इक्वेलेंट एल अपॉन एरिया दैट इज टू ए दिस इज इक्वल टू अब यहाँ पे ये दोनों पैरल में हैं तो पहले वाले का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बेसिकली आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू करना है हमें ठीक है ओके सो बी वेरी वेरी केयरफुल वाइल सॉल्विंग दैट आर वन आपका यहाँ पे हो रहा है रो वन एल अपॉन ए मल्टीप्लाइड बाई रो टू एल अपॉन ए डिवाइडेड बाई रो वन एल अपॉन ए प्लस रो टू एल अपॉन ए ठीक है अब नीचे से एल बाई ये कॉमन लोगे तो ऊपर वाला एक एल बाई ए कट हो जाएगा और यहाँ पे ऑलरेडी एक एल बाई ए है तो ये वाला एल बाई ए भी कट हो जाएगा सो दिस इज सिंपली योर रो वन रो टू डिवाइडेड बाई रो वन प्लस रो टू है ना सो so, यहाँ से रो इक्वेलेंट कितना निकल जाएगा ये टू आपका राइट right साइड चल गया सो टू मल्टीप्लाइड बाई रो वन सिक्स है दिस इज थ्री सिक्स प्लस थ्री दिस इज गोइंग टू बी योर फोर ओम सेंटीमीटर राइट तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सिंपली फोर ठीक ये अपना सबसे पहला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था ट्वेंटी एट जुलाई शिफ्ट वन में सवाल में कहता है द वैल्यू ऑफ करंट इन द दिक्कस ओम रेजिस्टेंस इज हाउ मच तो ये अपने पास सर्किट है इसको करने का काफ़ी तरीका हो सकता है बेस्ट मेथड वुड बी योर पॉइंट पोटेंशियल मेथड राइट यानी कि हम क्या करेंगे हम यहाँ पे किसी एक पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट मान लेंगे और उसका हम लोग पोटेंशियल जीरो मान लेंगे अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल जीरो है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल आपको वन हो जाएगा और इस पॉइंट का पोटेंशियल नाइन्टी हो जाएगा अब इस पॉइंट का पोटेंशियल हमको नहीं पता है तो हम इसे x मान लेते हैं ठीक है अब इस x वाले पॉइंट पे आप लगा दीजिए किरचॉफ्स जंक्शन लॉ राइट तो हम यहाँ पे क्या बोलने वाले हैं हम यहाँ पे कहने वाले हैं कि मान लीजिए इसमें करंट I1 है इस वाले में करंट आपका I2 है और इस वाले में करंट अपना आई थ्री है तो हमारे पास लॉ ये कहता है कि सर आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री जो है वो आपको सर ज़ीरो होना चाहिए और ये आई वन कितना हो जाएगा आई वन आपका हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन दी रेजिस्टर एक्स माइनस तो ध्यान से देखिएगा एक्स माइनस वन फोर्टी डिवाइडेड बाई ट्वेंटी प्लस आई टू अपना हो जाएगा एक्स माइनस जीरो अपॉन सिक्स एक्स माइनस जीरो अपॉन सिक्स और आई थ्री अपना कितना हो जाएगा एक्स माइनस नाइन्टी X माइनस नाइन्टी अपॉन फाइव एंड दिस इज इक्वल टू ज़ीरो अब यहाँ से हमको x की वैल्यू को सॉल्व करना है ठीक है अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो आप यहाँ पे एल ले लो ठीक है तो बेस्ट क्या रहेगा बेस्ट रहेगा कि हम लोग यहाँ पे एल ले लेते हैं हाउ मच 60 ले लो 60 अगर ले लिया तो ये आपका हो जाएगा 3x एक्स माइनस ये अपना हो जाएगा 420 ट्वेंटी प्लस ये हो जाएगा 10x एक्स प्लस ये हो जाएगा आपको ट्वेल्व एक्स माइनस ट्वेल्व इंटू नाइन्टी करना है सो ये आपको हो जाएगा वन जीरो एट जीरो इज इक्वल टू जीरो तो आप यहां पे देख सकते हैं थ्री एक्स प्लस टेन एक्स थर्टीन एंड दिस इज योर ट्वेल्व विच इज योर ट्वेंटी फाइव एक्स इज इक्वल टू सिक्सटी तो आपको चला गया जीरो में माइनस फोर ट्वेंटी दिस मच तो आर में आपका हो जाएगा ये पंद्रह सौ तो यहाँ से अपना एक्स आ रहा है वन फाइव डबल जीरो डिवाइडेड बाई ट्वेंटी फाइव और आप इसको डिवाइड कर सकते हैं ईजली ये आपको हो जाएगा हाउ मच ये आपको हो जाएगा 60. सो तो एक्स की वैल्यू जो है 60 आ जाती है और हमसे क्या पूछा था हमसे पूछा है क्वेश्चन में i2. तो i2 तो अपने को आ गया i2 कितना हो जाएगा एक्स की वैल्यू 60 है तो 60 माइनस ज़ीरो डिवाइडेड बाई सिक्स एंड दिस इज योर 10 एम्पियर तो अपना सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं बहुत बढ़िया दिस इज योर क्वेश्चन नंबर टू सवाल में हमसे क्या कहता है अ करंट ऑफ फाइव एम्पियर इज पासिंग थ्रू अ नॉन लीनियर मैग्नीशियम वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन पॉइंट जीरो फोर मीटर स्क्वायर ठीक है एट एवरी पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी इज एट एन एंगल ऑफ सिक्सटी डिग्री विथ द यूनिट वैक्टर ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बात को समझिएगा अगर ये अपना क्रॉस सेक्शन एरिया है ठीक है तो एरिया वेक्टर आपका इधर हो गया ठीक है और हमसे कहता है कि जो करंट डेंसिटी वेक्टर है वो इस एरिया वेक्टर के साथ एक एंगल बना रहा है और ये एंगल हमको 60 डिग्रीज़ है राइट ये एंगल हमको जो है 60 डिग्रीज़ है बढ़िया है अब आपको करंट डेंसिटी एरिया और करंट के बीच का रिलेशन पता होना चाहिए ठीक है तो जो करंट होता है ना, दिस करंट इज़ बेसिकली करंट डेंसिटी डॉट एरिया वेक्टर, राइट सो करंट अपना यहाँ पे आ जाएगा करंट अपना आ जाएगा जे ए कॉस थीटा तो एक तो ये रिलेशन मेरे पास आ गया यहाँ से हम जे को लिख सकते हैं आई अपॉन ए कॉस थीटा बढ़िया थीटा हमसे पूछा क्या है हमसे पूछ रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑफ द कंडक्टर राइट अब इसके लिए आपको फॉर्मूला स्टिप्स पे होना चाहिए हमारे पास एक और फॉर्मूला है E इज़ इक्वल टू रो जे राइट होता वेक्टर फॉर्म में है लेकिन हमें मैग्नीट्यूड पूछा है तो अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड की ही बात कर रहे हैं हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है रो जे की वैल्यू हमने यहीं पर सॉल्व कर रखा है आई अपॉन ए कॉस थीटा अब आपको सिर्फ सब्सिट्यूट करना है रो हमको दे रखा है ना 44 फोर मल्टीप्लाइड बाई टेन टू द पावर माइनस एट करेंट की वैल्यू हमको दे रखा है 5 एम्पियर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमको दे रखा है पॉइंट जीरो फोर यानि कि फोर इंटू टेन टू द पावर माइनस टू और कॉस सिक्सटी होता है वन बाई टू तो बेसिकली आपका टू जो है वो ऊपर चला जाएगा ठीक अच्छा तो ये वाला जो तो चीज़ है ये अपना हो जाएगा इलेवन राइट सो वी हैव इलेवन मल्टीप्लाइड बाई ये आपका टू फाइव टेन है ये आपको ऊपर जाएगा थ्री हो जाएगा सो टेन टू द पावर माइनस फाइव सो डू वी हैव समथिंग लाइक दिस यस ऑप्शन नंबर थ्री इज द करेक्ट आंसर चलिए सही है एकदम आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर थ्री इस सवाल में क्या बोलता है इन द गिवन फिगर स्विच इज एस वन एंड एस टू आर इन ओपन कंडीशन द रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी वेन द स्विच इज एस वन एंड एस टू आर क्लोज अब ये बताइए ये तो आपका काफ़ी एक आसान सा क्वेश्चन हो गया हमने S1 S2 को अगर क्लोज कर दिया तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों अब पैरल में हैं ये दोनों पैरल और ये दोनों पैरल तो हमें इसका इस पूरे सर्किट का बताना है R इक्वेलेंट राइट right? अब आप ध्यान से देखिए आप ध्यान से देखिए इन दोनों का आर इक्वेलेंट कितना हो जाएगा बारह और छः आपको पैरल में है तो इनका जो आर इक्वेलेंट होगा वो होगा बारह इंटू छः डिवाइडेड बाई ट प्लस सिक्स राइट तो ये आपको हो गया सेवेंटी टू डिवाइडेड बाई एट्टी इन विच इज़ योर फोर ओम राइट तो अगर ये दोनों का मिला के फोर ओम है तो इनका भी तो फोर ओम ही होगा ये दोनों भी तो छः और बारह ही है सो so बेसिकली इसका भी आपको हो जाएगा फोर ओम और ये जो आपका चार है और चार है राइट फोर फोर का आपका हो जाएगा टू सो so इनका आपको आ जाएगा कितना टू ओम और ये सभी लोग आपस में सीरीज में है इसका आया टू ओम ये तीनों आपस में सीरीज में तो फोर प्लस टू सिक्स सिक्स प्लस फोर टेन तो इंटीजर टाइप सवाल है तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे टेन ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ बढ़िया अब देखिए अ कापर रॉड ऑफ लेंथ ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर इन क्रॉस सेक्शन एरिया थ्री एम एम स्क्वायर तो डेटा को पहले तो मार्क करते चले हमको लेंथ दे रखा है हमको एरिया दे रखा है इस ज्वाइंट विथ सिमिलर एल्यूमिनियम रॉड सिमिलर का मतलब यहाँ पर हो जाएगा कि उसका भी लेंथ सेम है उसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन बिटवीन द एंड ए एंड बी हमको रेजिस्टिविटी दे रखा है सभी चीज़ का तो ये बेसिकली आपको एक कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पर फिजिक्स बहुत ज़्यादा है नहीं राइट right. हमें रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता होता है दैट इज़ योर रो एल बाई ए अब चाहे एलुमिनियम हो चाहे कॉपर हो एल और ए हमको सेम दे रखा है और दोनों है पैरेलल में यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों है पैरेलल में तो इसका जो आर इक्वेलेंट होगा वो बेसिकली हो जाएगा आर सी इंटू आर ए डिवाइडेड बाई आर सी प्लस आर ए बढ़िया है सो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए आर सी कितना हो जाएगा लगाओ ये फॉर्मूला तो ये आपको हो जाएगा रोसी एल बाई ए मल्टीप्लाइड बाई रो एल्यूमिनियम एल बाई डिवाइडेड बाई थोड़ा सा पेशेंटली इसको करे तो कोई भी सिली मिस्टेक नहीं होगा ठीक अब नीचे से आप एल बाई ए को कॉमन ले लो तो ऊपर से आप एक एल बाई ए को कट कर दोगे ठीक है तो यहाँ पे आपके पास क्या दिख रहा है आपको दिख रहा है रोसी इंटू रो ए डिवाइडेड बाई रोसी प्लस रो ए राइट मल्टीप्लाइड बाई एक आपके पास लेंथ बाई ए भी है अब आप यहाँ पे वैल्यूज को सब्सिट्यूट करेंगे एंड में आके सब्सिट्यूट क्या करो तो आपके पास रो सी और रो ए है राइट सो वन पॉइंट सेवन इंटू टू पॉइंट सिक्स वन पॉइंट सेवन इंटू टू पॉइंट सिक्स मल्टीप्लाइड बाई टेन टू द पावर माइनस एट इंटू टेन टू द पावर माइनस एट मल्टीप्लाइड बाई लेंथ ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर है ठीक है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये आपको टू पॉइंट फाइव हो जाएगा सॉरी नॉट uh, 2.5, पॉइंट फाइव ट्वेंटी फाइव इंटू टेन टू द पावर माइनस टू हो जाएगा डिवाइडेड बाई नीचे क्या है रो सी प्लस रो ए इनको ऐड कर दो 1.7 पॉइंट सेवन प्लस टू पॉइंट सिक्स फोर पॉइंट थ्री होता है तो सर ये हो गया फोर पॉइंट थ्री मल्टीप्लाइड बाई टेन टू द पावर माइनस एट इंटू एरिया और एरिया आपका एम mm में है एम एम स्क्वायर है राइट right? तो थ्री इंटू टेन टू द पावर माइनस सिक्स बढ़िया अब आपको इसको सॉल्व करना है तो एक तो ये आपका टर्म खत्म हो जाएगा टेन टू द पावर माइनस सिक्स है ना ऊपर जाएगा तो फाइनली यहाँ पे आपके पास फोर बचने वाला है ठीक है हमारा सारा जो ऑप्शन है वो मिली ओम्स में है ठीक है तो हमें टेन टू द पावर माइनस फोर है ना यहाँ से एक माइनस वन को अलग कर दो सो बेसिकली हम इसको क्या कर सकते हैं ऊपर में वन पॉइंट सेवन इंटू टू पॉइंट सिक्स मल्टीप्लाइड बाई टू पॉइंट फाइव कर रहे हैं हम इसको इंटू टेन टू द पावर माइनस थ्री ट्वेंटी फाइव को यहाँ से एक माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दिया डिवाइडेड बाय 4.3 मल्टीप्लाइड बाय 3 हमारा टारगेट है इस टर्म को सॉल्व करना वो हमको बता देगा कि कितना मिली ओम मेरा आंसर आने वाला है ठीक है अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो आपका जो चारों ऑप्शन है ना काफ़ी दूर दूर है तो यहाँ पे थोड़ा बहुत अप्रॉक्सीमेशन अगर करो तो कोई बुराई नहीं है उसमें अब ध्यान से देखना कि किस तरीके से अप्रोक्सीमेशन करने का स्कोप है यह आपका ऊपर में टू है यह आपका थ्री है ठीक है तो क्या हम इसको मैं फिर से बोल रहा हूँ अप्रॉक्सीमेशन किया जा रहा है ठीक है बोलना मत कि सर आपने ये कैसे किया टू पॉइंट फाइव और थ्री है तो क्या इसको हम पॉइंट एट लिख दे लिख सकते हैं ना ध्यान से देखना इस टर्म को हम पॉइंट एट लिख देते हैं बढ़िया है सर अच्छा अब क्या करो देखो ये डेसिमल को हटा दो ये डेसिमल को हटा दो राइट तो ये आपका एट है ये आपका फोर्टी थ्री है तो ठीक है ना इसको लगभग हम फाइव बोल देते फाइव पॉइंट समथिंग होगा फिलहाल के लिए फाइव बोल दिया सो so बेसिकली अब आपके पास क्या क्या है ऊपर में आपके पास है वन पॉइंट सेवन मल्टीप्लाइड बाई टू पॉइंट सिक्स डिवाइडेड बाई फाइव राइट अच्छा इसको अगर हम इसके साथ कट करें तो यह आपका जो है पॉइंट थ्री से थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा सो बेसिकली पॉइंट थ्री मल्टीप्लाइड बाई टू पॉइंट सिक्स पॉइंट थ्री मल्टीप्लाइड बाई टू पॉइंट सिक्स यह आपको पॉइंट सेवन एट आ रहा है तो मेरा जो आंसर होगा वो पॉइंट सेवन एट से थोड़ा सा ज्यादा ही होगा और यहां पे आपको एक ही ऑप्शन दिख रहा है पॉइंट सेवन एट से थोड़ा सा ज्यादा एंड दैट इज योर ऑप्शन नंबर फोर तो इस तरीके से आप स्मार्टली इसको अप्रॉक्सीमेट कर सकते हो अगर इसको टू द पॉइंट सॉल्व करने बैठो तो आपका टाइम वेस्ट हो सकता है ठीक है चलिए ना क्वेश्चन नंबर फाइव कुछ छूटना नहीं चाहिए इस बार हाँ इन अ सर्किट इलेक्ट्रिकल सर्किट अ सेल ऑफ सर्टेन ई एम एफ प्रोवाइड्स अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वन पॉइंट टू फाइव वोल्ट अक्रॉस अ लोड ऑफ रेजिस्टेंस पाँच ओम तो ध्यान से देखिए हमारे पास एक सेल है उसका ई एम एफ ई मान लिया और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर मान लिया सवाल में बोला नहीं कहीं पर लेकिन ये चीज़ ध्यान दे के चलना है मान के चलना है सेल की बात की जा रही है यहाँ पर कहता है कि अगर हमारा लोड रजिस्टर पाँच ओम है तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आया है वो वन पॉइंट टू फाइव वोल्ट है और अगर यही लोड रजिस्टेंस टू ओम का होता तो पोटेंशियल ड्रॉप वन वोल्ट का आता हमसे पूछ रहा है ई एम एफ कितना है ई e की वैल्यू बेसिकली हमको सॉल्व करनी है अब यहाँ पे आपको एक जनरल अगर फॉर्मूला पता है हालांकि ड्राइवेबल है ऐसा कुछ हाई फाई चीज़ नहीं है लेकिन अगर पता है तो सॉल्विंग ईजी हो जाता है है ना बात क्या है कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस v होता है ना दिस इज़ योर ई इंटू आर अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर बेसिकली ये आपको i हो गया i इं टू आर ही है लेकिन डायरेक्टली ये चीज़ ध्यान में रहे तो आपका प्रोसेस जल्दी हो जाता है आपका सॉल्विंग जो है वो जल्दी हो जाता है तो यहाँ पे हम एक इक्वेशन क्या लिखेंगे कि सर 1.25 एंड 1.25 क्या है थोड़ा सा इसको भी अच्छा करो 1.25 जो है वो बेसिकली आपको 5 बाई फोर ही तो है ठीक है सो so बेसिकली हम यहाँ लिखेंगे फाइव बाई फोर इज इक्वल टू ई इंटू फाइव यानी कि फाइव ई डिवाइडेड बाई स्मॉल आर प्लस फाइव ठीक है एक तो ये इक्वेशन हो गया मेरा और इसके करोस्पॉन्डिंग हम इक्वेशन क्या लिखेंगे वन इज इक्वल टू ई इंटू टू यानी कि टू ई डिवाइड बाई टू प्लस आर टू प्लस आर ठीक है अच्छा यहाँ पे आप देखो आप इस फाइव को और इस फाइव को यहाँ से बेसिकली उड़ा सकते थे अब आपके पास दो इक्वेशन हैं दोनों को सॉल्व करके हम पहले स्मॉलर की वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं तो आप इक्वेशन नंबर वन और टू को आपस में डिवाइड कर दो ठीक है वन को और टू को डिवाइड करोगे तो ये आपको आ जाएगा वन बाई फोर राइट और ये आपका कितना हो जाएगा ई अपॉन फाइव प्लस आर डिवाइडेड बाई टू ई अपॉन टू प्लस आर टू प्लस आर ठीक है तो आपका यहाँ से स्मॉल स्मॉली तो कैंसिल हो जाएगा एंड हम यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला चीज़ भी आप यहाँ से कट कर सकते हो सो वन बाई टू इज़ इक्वल टू टू प्लस आर डिवाइडेड बाई फाइव प्लस आर तो ये अपना हो जाएगा फाइव प्लस आर इज इक्वल टू फोर प्लस टू आर यानी कि वन इज इक्वल टू आर तो मेरा आर का वैल्यू जो है वो वन आ चुका है ठीक है अब आप किसी भी इक्वेशन में डाल दो आर की वैल्यू सो वन इज इक्वल टू टू ई डिवाइड बाई टू प्लस वन विच इज़ योर थ्री तो यहाँ से मेरा ई e का वैल्यू आ जाता है टू बाई थ्री और हमको कहता है कि ई e की वैल्यू है एक्स बाई टेन यानी कि एक्स बाई टेन शुड बी इक्वल टू टू बाई थ्री तो आप यहाँ से देखिए कुछ तो गड़बड़ किया मैंने ओहो. थ्री बाई टू होगा थ्री बाई टू होगा दिस इज़ योर थ्री बाई टू राइट तो यहाँ पे भी हम इसको कर देंगे थ्री बाई टू तो ये अपना फाइव हो गया तो एक्स की वैल्यू आ गई फिफ्टीन ठीक है तो आप भी एक्चुअली अगर ऐसा कुछ मिस्टेक करते हो तो आपको दिखना चाहिए कि सवाल आपका इंटीजर आना चाहिए था तो इस तरीके से हमने इसको 15 टिक कर दिया आंसर लिख दिया ये आपका एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन है चलिए आगे बढ़ते लेटस्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए अब ये अपना पोटेंशियो मीटर का एक सवाल हो गया सवाल में कहता है इन द गिवन फिगर देयर इज अ सर्किट ऑफ पोटेंशियो मीटर ऑफ लेंथ ए बी टेन मीटर तो ये जो ए बी वायर है ना इसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियो मीटर वायर और इसका लेंथ है टेन मीटर्स यहाँ पे हमको सेंटीमीटर में दिया हुआ है, बेसिकली हज़ार सेंटीमीटर द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इज पॉइंट वन ओम पर सेंटीमीटर तो अगर हमसे कोई पूछेगा कि सर ये ए बी का टोटल रेजिस्टेंस कितना है सो so ये आपको हो गया रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ पॉइंट वन ओम पर सेंटीमीटर और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस टोटल लेंथ के साथ जो कि है अपना हजार सेंटीमीटर तो यहाँ से आप देखिए ये आपको आ जाएगा वन हंड्रेड ओम ठीक है अच्छा ए बी अ बैटरी ऑफ ई एम एफ ई एंड इंटरनल स्मॉल स्मॉलर इज कनेक्टेड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई एम एफ मेजर्ड बाई दिस पोटेंशियो मीटर इज वॉट ठीक है तो अगर आपको कंसेप्ट पता है पोटेंशियो मीटर का राइट जब मेजरमेंट होता है जब आप ई e को बेसिकली मेजर करते हो तो आप बैलेंस पॉइंट ढूंढते हो तो मैक्सिमम ई e तब होगा मैक्सिमम ई e की वैल्यू जो आप मेजर कर सकते हो वो उस केस में होगा जब इसका पॉइंटर बी पॉइंट पे हो यानी कि पूरा ए बी का आपने पोटेंशियल डिफरेंस को यूज़ कर लिया है इससे ज़्यादा आपका वायर लंबा हो नहीं सकता तो इससे ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आप मेजर कर नहीं सकते ठीक है अच्छा यानी कि ई e की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है दैट इज़ इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस एकरॉस वायर ए बी और जब आपका नल पॉइंट आ चुका है बी पॉइंट पे आपका नल पॉइंट होगा यानी कि करंट सिर्फ इसी वाले लूप में है करंट सिर्फ इसी वाले लूप में है यहाँ पे कोई करंट नहीं है तो हम ये वी ए बी पता कर सकते हैं कैसे पता कर सकते हैं सर तो सर आपका जो वी ए बी होगा मान लीजिए यहाँ पे आपको करंट आई है या आपको करंट आई है तो वी ए बी क्या हो जाएगा आई इन टू आर ए बी और आई कितना होगा सर आई हो जाएगा सिक्स डिवाइडेड बाई टोटल रजिस्टेंस ट्वेंटी ओम प्लस रजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी सो ट्वेंटी प्लस ए बी का रजिस्टेंस हंड्रेड है और ऊपर भी आपको एक हंड्रेड है तो ये आपको आ जाएगा सिक्स हंड्रेड सिक्स हंड्रेड डिवाइडेड बाई वन ट्वेंटी यानी कि फाइव वोल्ट्स ऑप्शन नंबर वन ठीक है तो इन सभी सवालों को करने के लिए पोटेंशियो आपको आना चाहिए ये सवाल देखिए An इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड एज 200 हंड्रेड वॉट एट हंड्रेड वोल्ट इज यूज इन सर्किट having 200 सौ वोल्ट का सप्लाई द रेजिस्टेंस आर दैट मस्ट बी पुट इन सीरीज दैट मस्ट बी पुट इन सीरीज विद द बल्ब सो दैट द बल्ब डिलीवर सेम पावर ठीक है अब हमको क्वेश्चन में बल्ब का रेटेड पावर और वोल्टेज दे रखा है कहने का मतलब है कि अगर इस बल्ब के अक्रॉस सौ वोल्ट का सप्लाई होगा तभी ये दो सौ पावर कंज्यूम करेगा अपना पीक ब्राइटनेस पे जलेगा ठीक है तो पहले तो हम सॉल्व कर लेते हैं कि इस बल्ब का रेजिस्टर कितना है रेजिस्टेंस कितना है बेसिकली हमको पता है ना पावर आपको होता है वी स्क्वायर बाई आर राइट इसको बोल देते हैं आर बी रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब तो रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब बेसिकली आप सॉल्व कर सकते हो वी स्क्वायर बाई पी से v की वैल्यू हमको दे रखी है 100 सो so, 100 का स्क्वायर किया नीचे आपने बिठाया 200 सौ ये आपको आ जाएगा 50 ओम ठीक है तो हमको ये पता चल गया है कि इस बल्ब का जो रेजिस्टर है ना ये रेजिस्टेंस है ये आपको 50 ओम है अब आप बात को यहाँ पे गहराई से समझिएगा हमको सवाल में कहता है कि इस आर की क्या वैल्यू होनी चाहिए ताकि ये बल्ब आपका सेम पावर कंज्यूम करे इस बल्ब को अगर 200 सौ कंज्यूम कराना है तो इसके अक्रॉस 100 वोल्ट होना चाहिए तो कहने का मतलब है कहने का मतलब है आपने सप्लाई दिया है 200 वोल्ट का उसमें से 100 वोल्ट इसके पास होना चाहिए तो बचा हुआ 100 वोल्ट इसके पास हुआ और इक्वल डिवीजन ऑफ पोटेंशियल कब होगा जब दोनों रेजिस्टेंस भी इक्वल होगा यानी कि इस आर की वैल्यू भी आपको 50 ओम होनी पड़ेगी तो इस सवाल का इस प्रश्न का जो आपको सही जवाब है दैट इज योर फिफ्टी ठीक है चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट देखिए आप अगेन पोटेंशियो मीटर का एक सवाल आ गया इन द गिवन पोटेंशियो मीटर सर्किट अरेंजमेंट द बैलेंसिंग लेंथ ए सी इज मेजर टू बी टू फिफ्टी ध्यान से देखिएगा 250 है आपका पहला बैलेंसिंग लेंथ नाउ व्हेन द गैल्वेनोमीटर कनेक्शन इज शिफ्टेड फ्रॉम 1 टू टू जब आपका कनेक्शन टू पे है तब बैलेंसिंग लेंथ 400 फोर हंड्रेड सेंटीमीटर है हमसे ई वन अपॉन ई टू पूछा जा रहा है ठीक है अब आप ध्यान से देखिए पहले आपका कनेक्शन वन पे है पहले आपका कनेक्शन वन पे है जब आपका कनेक्शन वन पे है तो सिर्फ ये वाला सिर्फ ये वाला ई एम एफ ही आपका सर्किट का हिस्सा है राइट अब बैलेंसिंग लेंथ आपको ए जो है पहले केस में 250 बोलता है आपको पता होना चाहिए ये जो E होता है दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट मल्टीप्लाइड बाई एक्स ठीक है अब ये हो गया कॉन्सेप्ट वाली बात इसके लिए आपको इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए या फिर आप उस वीडियो को देख के आइए जिसके बारे में मैंने आपको पहले बोला पोटेंशियोमीटर का एक कॉन्सेप्ट वीडियो है इस चैनल पे उसका लिंक आपको नीचे दिया हुआ है ठीक है के बेसिकली आपका होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी कि पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ ऑफ दिस वायर ए बी के क्या है के आपको होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट वी ए बी अपॉन एल ए भी ये है आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट ठीक है तो अगर हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट को एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है जहां पे एक्स हम इस डिस्टेंस को कहते हैं बैलेंस लेंथ को बैलेंसिंग लेंथ को तो आप एटलीस्ट यूनिट तो समझ सकते हैं ना अगर हम इस टर्म को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेंथ लेंथ आपको कटेगा आपको बचेगा सिर्फ वी ही ठीक है ओके ये के आपको बेसिकली कॉन्स्टेंट होता है फॉर अ गिवेन पोटेंशियोमीटर वायर एंड द अपर सेटअप ठीक है अब गेम ख... गेम आपका यहां पे ओवर है तो पहला इक्वेशन आएगा ई वन इज इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाई टू फिफ्टी टू फिफ्टी ठीक है और दूसरा इक्वेशन देखिएगा अगर आपने वन से कनेक्शन को निकाल के डाल दिया है टू पे तो टू पे डालने के बाद क्या हो रहा है ध्यान से देखिएगा टू पे डालने के बाद क्या है इसको आप यहां से आप हटा दीजिए ठीक है अब आप ध्यान से देखिए तो अब आपका E1 और E2 दोनों ही सेल इस सर्किट का पार्ट हो चुका है तो अब आपका टोटल बैलेंसिंग लेंथ जो आ रहा है वो E1 और E2 दोनों के कॉम्बिनेशन से आ रहा है सो so, K मल्टीप्लाइड बाई फोर बच्चे यहीं पे सिलेम मिस्टेक कर सकते हैं वो शायद हड़बड़ी में सिर्फ E2 को ही अकाउंट में ले हालांकि E1 वन प्लस E2 दोनों लेना है ठीक है अब यहाँ पे आपके पास दो इक्वेशन है इक्वेशन नंबर टू को वन से डिवाइड कर दीजिए तो ये आपको आ जाएगा E1 वन प्लस ई टू डिवाइडेड बाई ई वन इज इक्वल टू फोर हंड्रेड डिवाइड बाई टू फिफ्टी तो ये आपका जीरो से जीरो ख़त्म हो गया ये आपका फाइव एट या आपका फाइव फाइव तो ये आपको हो जाएगा वन प्लस ई टू बाई ई वन इज इक्वल टू एट बाई फाइव यानी कि e2 टू बाई ई वन इज इक्वल टू एट बाई फाइव माइनस वन इज इक्वल टू थ्री बाई फाइव और हमसे पूछा गया है e1 वन बाई ई टू यानी कि फाइव बाई थ्री तो ये अपना ऑप्शन नंबर वन आंसर हो गया ठीक चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन ठीक है हालांकि यहाँ पे पोटेंशियो मीटर वर्ड का इस्तेमाल किया गया है बट ये क्वेश्चन डायरेक्टली उसका है नहीं सवाल क्या बोलता है द गिवन पोटेंशियो मीटर हैज इट्स वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम यानी इस ए बी वायर का रेजिस्टेंस है 10 ओम व्हेन द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इज इन द मिडल ऑफ द पोटेंशियो मीटर वायर ठीक है ये कॉन्टैक्ट जब इसके मिड पॉइंट पे है द पोटेंशियल ड्रॉप एक टू ओम इज हाउ मच ठीक है दो ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस या ड्रॉप कितना है राइट तो ये आपका अब सर्किट बन जाएगा अब ध्यान से देखिए अगर आपने इसको मिड पॉइंट पर लगा दिया है तो लेफ्ट साइड भी पाँच ओम होगा और राइट साइड भी पाँच ओम होगा हमसे पूछ रहा है कि इस दो ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ठीक है सो आप क्या करेंगे अब ये आपको एक नॉर्मल सर्किट जैसा ही काम हो गया पहले तो ये पता कर लो कि इस पाँच और दो का इक्वेलेंट रेजिस्टेंस कितना है तो कितना आ जाएगा फाइव इंटू टू अपॉन फाइव प्लस टू पैरेलल में है ना सो टेन बाई सेवन ओम ठीक है टेन बाई सेवन इस हरे वाले के अंदर आपका आर इक्वेलेंट है टेन बाई सेवन अब हमको सिर्फ इतना पता करना है कि इस टेन बाई सेवन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है क्योंकि इस टेन बाई सेवन के अक्रॉस जो आप निकालोगे वही आपका टू ओम के अक्रॉस भी आंसर होगा खत्म है कहानी सो वॉट इज द पोटेंशियल डिफरेंस जो रिक्वायर्ड पोटेंशियल डिफरेंस है हाँ मान लीजिए कि जो आपका करंट है वो आई है सो आई मल्टीप्लाइड बाई दिस टेन बाई सेवन और ये करंट कितना हो जाएगा ट्वेंटी ट्वेंटी डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस यानी कि टेन बाई सेवन प्लस फाइव टेन बाई सेवन प्लस फाइव मल्टीप्लाइड बाई टेन बाई सेवन तो ये अपना हो रहा है ट्वेंटी डिवाइडेड बाई यहाँ पे आपने एलसीयम लिया तो सेवन फाइव थर्टी फाइव थर्टी फाइव प्लस टेन फोर्टी फाइव बाई सेवन मल्टीप्लाइड बाई टेन बाई सेवन तो ये दोनों सेवन जो है वो तो गॉनकेस हो गया ये आपका हो जाएगा फाइव टू ये आपको हो जाएगा फाइव नाइन तो ये आपका आ रहा है फोर्टी बाई नाइन वोल्ट्स सो ऑप्शन नंबर थ्री इज द करेक्ट आंसर चलिए आगे बढ़ते हैं ठीक है बढ़िया अब देखिए सिक्सटीन ओम

बढ़िया है सर अब हमने एक एज के एक लगा दिया है नाइन वोल्ट रेजिस्टेंस इसका इंटरनल वाला वन ओम हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर लूप ठीक है तो ए और बी का निकाल लो या फिर इसका और इसका भी कर सकते थे बात एक ही है ठीक है अच्छा तो हमको ए और बी के बीच का चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस राइट अच्छा अब देखिए इसका इसका देखिए इसको भी सॉल्व करने का तरीका आपको दो से तीन हो सकता है राइट एक तरीका ये हो सकता है कि आप इसका निकालिए आर इक्वलेंट राइट इस पूरे सिस्टम का ही आप पहले निकाल लो आर इक्वेलेंट क्या है फिर यहाँ से कितना करंट आपको निकलेगा फिर उस करंट का बंटवारा कितना कितना होगा और उसके बाद यू कैन प्रोसीड राइट इसका जो आपको सबसे सही तरीका होगा आप क्या कीजिए आप मान लीजिए कि इस वाले में आपको करेंट लेटर से आई है ठीक है तो जब ये आई करंट आपको यहाँ पे पहुँचा ऑब्वियसली इसका डिवीजन होने वाला लेकिन इसका डिवीजन आप आसानी से कर सकते हो अगर आप ध्यान से देखो अगर आप ध्यान से देखो ऊपर में जो आपका टोटल रेजिस्टेंस है सीरीज़ में ये आपको है 12 ओम ये आपको है 12 ओम और यहाँ पे आपको 4 ओम है तो इस आई को डिवाइड होना है 12 ओम में और 4 ओम में राइट यहाँ पे रेजिस्टेंस का जो रेशियो है वो है आपको थ्री इज टू वन तो करंट आपको डिवाइड होगा वन टू थ्री के रेशियो में जहाँ रजिस्टेंस ज़्यादा होता है वहाँ पर करंट भी कम जाता है रजिस्टेंस है टोल्व इज टू फोर यानी कि थ्री इज टू वन तो करंट आपको डिवाइड होगा वन इज टू थ्री के रेशियो में तो कहने का मतलब है कहने का मतलब है कि इस वाले में आपको करंट गया होगा आई अपॉन फोर और इस वाले में आपको करंट गया होगा थ्री आई बाई फोर ठीक है करंट का बंटवारा भी हुआ है वन इज़ टू थ्री में बात क्लियर है नहीं तो आप इसका जो एक आ, किस तरीके से ये डिवाइड होता है उसका भी एक फॉर्मूला है आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हो कहने का मतलब है ध्यान से देखिएगा ये आपका रेजिस्टेंस आर वन है ये रेजिस्टेंस अगर आपका आर टू है हालांकि ये भी हमने डिस्कस किया था अपने फॉर्मलेट सीरीज़ में ये करंट आई है ये करंट आई वन है और ये करंट लेटेस्ट से आई टू है राइट तो अगर यहाँ पे आई है तो ये जो आई वन होता है ना ये आपको होगा आई इन टू आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू और जो अपना आई टू होगा वो हो जाएगा आई इन टू आर वन अपॉन आर वन प्लस आर टू राइट तो इस तरीके से हम करंट का बंटवारा कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमको डायरेक्टली दिखाई दे रहा है कि किस रेशियो में डिवाइड होने वाला है अब एक बारी हमने ये चीज़ लिख दिया है अब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है ये जो सबसे बाहरी वाला लूप है ना जो सबसे बाहरी वाला लूप है चाहे तो नामकरण कर दो या आपका ए बी है इसको सी बोल दिया डी बोल दिया राइट right? ई e बोल दो एफ बोल दो जो जो सबसे बाहर वाला लूप है एफ ए सी बी डी ई एफ राइट right? इसमें आप गोल घूम जाओ ठीक है अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो आप जब गोल घूम रहे हो तो चलिए घूमते हैं यहाँ से स्टार्ट कीजिए आप चलना सो आई बाई फोर इंटू फोर प्लस आई बाई फोर इंटू फोर तो इस तरीके से आप लिखते चलोगे आई बाई फोर इंटू फोर प्लस और ये आपका बेसिकली तीन बार है ना तो आप यहीं पे लिख लो आई बाई फोर मल्टीप्लाइड बाई फोर प्लस फोर प्लस फोर यानी कि ट्वेल्व प्लस यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे तो आपको करंट आई है सो आई इंटू वन ये आपको माइनस नाइन वोल्ट का बैटरी है दिस इज़ इक्वल टू जीरो ठीक है तो ये आपका कितना हो जाएगा थ्री आई प्लस आई इज़ इक्वल टू नाइन यानी कि आपका आई आ रहा है नाइन बाई फोर एम्पियर हमसे पूछा गया है ए वी ए बी हमसे पूछा गया है वी ए बी तो वो आपको हो जाएगा आई बाई फोर मल्टीप्लाइड बाई फोर प्लस फोर आप यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए देखोगे तो फोर प्लस फोर आने वाला है फोर प्लस फोर तो आई की वैल्यू यहाँ पे सब्सट्यूट कर दो ये आपको है नाइन बाई फोर मल्टीप्लाइड बाई नीचे एक फोर ऑलरेडी है ये आपको एट हो गया तो यहां से आपको हो जाएगा टू दिस इज योर फोर पॉइंट फाइव या फिर हम इसको लिख सकते हैं फोर्टी फाइव इंटू टेन द पावर माइनस वन वोल्ट तो इस सवाल का जो सही जवाब है दैट इज योर फोर्टी फाइव ठीक है तो इस तरीके से आप इस सवाल को ईजिली हैंडल कर सकते थे नहीं तो आप उसको वही नॉर्मल तरीके से यानी कि इसका आर इ्वलर निकाला एंड देन फाइंड द करेंट एंड देन पोटेंशियल डिफरेंसेस ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं ओके क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ क्वेश्चन नंबर इलेवंथ अच्छा ये भी एक आपका एक डिसेंट क्वेश्चन है सवाल में हमसे कहता है इन द गिवन फिगर अ बैटरी ऑफ ई एम एफ ई इज कनेक्टेड अक्रॉस अ कंडक्टर पी क्यू ऑफ लेंथ एल एंड डिफरेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ठीक है तो आप जब लेफ्ट से राइट right जा रहे हो ना आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज होता जा रहा है बढ़िया है अच्छा इसमें करंट मान लीजिए आपको आई फ्लो कर रहा है राइट तो एक तो सिंह एक सिंपल सी बात तो एकदम सही अपनी कि करंट जो है करंट आपका आप आगे फॉरवर्ड मूव करो करंट नहीं चेंज होने वाला है ठीक है करंट इन द कंडक्टर रिमेंस कांस्टेंट मुद्दा आता है जैसे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इलेक्ट्रॉन करंट डिक्रीजेस ये तो एकदम ही गलत है करंट आपका चेंज नहीं हो रहा है सो दिस ऑप्शन इज बेसिकली रॉन्ग ठीक है अच्छा इसका मतलब ऑल ऑफ दिस तो नहीं हो सकता है अब आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में अब आप यहां पे ध्यान से देखिए अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है करंट इज इक्वल टू एन ई ए वी डी ठीक है अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ना आपका करंट कांस्टेंट एन बेसिकली आपका मटेरियल प्रॉपर्टी वो कांस्टेंट ई e आपका कांस्टेंट है सो so बेसिकली आप देख सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया तो आप जब लेफ़्ट से राइट right जा रहे हो आपका एरिया डिक्रीज़ हो रहा है तो आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज होगा सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस तो ये ऑप्शन तो अपना सही है ठीक है बट स्टिल हम लोग ऑप्शन नंबर टू भी एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं हमने शुरुआत में ही एक और फॉर्मूला देखा था दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रोजे ये आपका करेंट डेंसिटी ये रजिस्टिविटी और ये इलेक्ट्रिक फील्ड रेजिस्टिविटी आपका मटेरियल प्रॉपर्टी है वो कांस्टेंट है यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिपेंड करेगा आपको करंट डेंसिटी पे और करंट डेंसिटी क्या होता है आई अपॉन एरिया आई अपॉन एरिया यानी कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है क्योंकि करंट तो भैया कॉन्स्टेंट है अब फिर से वही कहानी है आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो आपका एरिया घट रहा है तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जाएगा तो डिक्रीज तो नहीं होने वाला है ये ऑप्शन भी आपका गलत है ठीक है और भी कई तरीका है इलेक्ट्रिक फील्ड को जस्टिफाई करने का राइट उससे भी हम लोग इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला होता है ई ई टाउ अपॉन एम राइट तो यहाँ पे आपका ई कांस्टेंट, टाउ कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रिलेटेड है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अभी शो किया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगा तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा ठीक तो आपको अगर फॉर्मलेस पता है तो आप कैसे भी चीज़ों को शो कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं ठीक है सवाल देखिए और रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड इज 16 ओम 16 ओम ठीक है एंड एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेजिस्टेंस जो है वो 16 ओम है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेजिस्टेंस जो है वो 20 ओम है ठीक है वॉट विल बी दी टेम्परेचर कोफिशेंट ऑफ रेजिस्टेंस तो हमसे एल्फा पूछा जा रहा है ठीक है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है आर रेजिस्टेंस फाइनल इज बेसिकली इक्वल टू आर इसको आप यहाँ पे इनिशियल लिख लो वन प्लस अल्फा डेल्टा टी ठीक है तो फाइनली हमारा ट्वेंटी ओम है इनिशियली हमारा सिक्सटीन ओम था वन प्लस अल्फ़ा हमको निकालना एंड व्हाट इज डेल्टा टी तो पंद्रह से आप सौ पे आ रहे हो यानी कि डिफरेंसेस 85 फाइव ठीक है सर अच्छा ये आपका कितना हो जाएगा ये आपको हो जाएगा फोर ये आपको हो जाएगा फाइव राइट सो ये आपको हो जाएगा फाइव इज इक्वल टू फोर प्लस फोर एल्फा मल्टीप्लाइड बाई एटी फाइव यानी कि आपका एल्फा जो है दैट इज योर आपका जो अरे एल्फा जो है दैट इज़ योर वन अपॉन फोर मल्टीप्लाइड बाई एटी फाइव अब आप इसको सॉल्व करेंगे आपका जो ऑप्शन नंबर है वो थर्ड यानी कि पॉइंट डबल ज़ीरो एक्जैक्टली अगर टू नाइन लेकिन हम इसको थ्री ऐसा बोल सकते हैं राइट right? तो ये आपका सवाल का आंसर हो जाएगा ठीक है ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर बढ़िया तो ये आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये भी हम लोगों ने किया ही है अपनी रिवीजन सीरीज़ में चलिए ये अपना लास्ट क्वेश्चन है ध्यान से देखिए सवाल को फॉर द सर्किट शोन द वैल्यू ऑफ करंट एट टाइम टी इक्वल्स टू थ्री पॉइंट टू सेकेंड विल बी हाउ मच तो हमारे पास यहाँ पे सर्किट है और सर्किट में ये वाला जो आपका वोल्टेज है ना ये आपको टाइम वेरिंग है और ये वोल्टेज कैसे वेरी कर रहा है उसका प्लॉट हमको यहाँ पे दे रखा है ठीक है हमसे पूछता है कि जब समय 3.2 पॉइंट हुआ था तो सर्किट में करंट कितना है तो हमको पहले ये पता करना होगा कि 3.2 पॉइंट पे सेकेंड पर यह वोल्टेज कितना है ये वाला वी कितना है तो इस ग्राफ पर आ जाइए अब ध्यान से देखिएगा इसको भी सॉल्व करने का दो तीन तरीका हो सकता है आपको बेस्ट से बेस्ट तरीका ही यहाँ पे दिखाया जाएगा अच्छा देखिए तो हमको 3.2 पे बोला जा रहा है ना तो यहां पे बेसिकली हमने बना लिया एक ट्राइंगल ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से निगाहें एकदम स्क्रीन पे होनी चाहिए सो so, ये जो है ये आपको है 3.2 पॉइंट टू सेकेंड थ्री पॉइंट सेकेंड राइट अब आप यहाँ पे देखिए ये जो ट्राइंगल है ना ट्राइंगल ए बी सी डी और ई e. ट्राइंगल ये जो बड़ा ट्राइंगल है ना ट्राइंगल ए बी सी आपको दिख रहा है ना ये आपको सिमिलर होगा फ्रॉम ट्राइंगल डी ई e, सी तो सिमिलर ट्राइंगल है तो हम लोग साइड प्रपोर्शन वाला जो फंडा वो लगा सकते हैं ठीक है ठीके? तो हम यहां पे क्या बोलेंगे हम बोलेंगे सर सी ई बाई सी बी इज इक्वल टू ईडी बाई ए बी ठीक है अब आप ध्यान से देखिए ये जो सीई है वो कितना है 3.2 पॉइंट टू माइनस थ्री यानी कि ये पॉइंट टू है सर सी बी कितना है 4 बाई फोर माइनस थ्री यानी कि 1 है सर ई डी कितना है सर ई डी तो हमको निकालना है और ए बी कितना है सर सो so, 10 माइनस फाइव तो आपको हो गया फाइव तो यहां से दिख रहा है कि आपका जो ई है वो तो सर वन है वो तो वन है इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब हो गया आप ध्यान से देखिए ई आपका वन है विच मीन्स दिस पॉइंट इज नॉट थिंग बट सिक्स वोल्ट यानी कि जब समय थ्री पॉइंट टू सेकेंड्स था तो वोल्टेज आपका छः है यानी ये आपको 6 वोल्ट है ये आपको छः वोल्ट है और ये पॉजिटिव है तो इस तरीके से आपका बेसिकली यहाँ पे पोलारिटी है तो आप देख सकते हैं ना दोनों बैटरी एक दूसरे को बेसिकली अब अपोज कर रहा है तो अपोजिंग है तो सिक्स माइनस फाइव हो जाएगा आपका नेट वोल्टेज सो वन अपॉन रेजिस्टेंस भी आपका वन है सो दिस इज योर वन एम्पियर तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो आपको वन हो जाएगा तो इस तरीके से आप यहाँ पे देखिए स्मार्टली सॉल्व करेंगे तो आप इसको क्रैक कर सकते हैं एक और तरीका होता कि आप इस ए सी लाइन का पहले तो एक इक्वेशन ही लिख लेते राइट वो जो अपना तरीका होता है ना वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इजल टू स्लोप उसका इस्तेमाल करके आप पहले इसका इक्वेशन लिखते फिर आप वहां पे टी की जगह थ्री पॉइंट टू पुट करते तब आपका रिजल्ट निकल के आता लेकिन यहां पे आपने इसको बहुत ही इजीली क्रैक कर लिया ठीक है ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर द ई एम एफ ऑफ द सेल इज टू पॉइंट टू वोल्ट एंड इफ इंटरनल रेजिस्टेंस इज पॉइंट सिक्स ओम जो कि यहाँ पे फिगर में हमें दे रखा है कैलकुलेट द पावर डिसिपेटेड इन द होल सर्किट ठीक है कंप्लीट सर्किट में हमसे पूछ रहा है पावर डिसिपेटेड कितना है अब यहाँ पे क्या है कि इस सर्किट को देख के थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है तो क्यों ना इस सर्किट को रिड्रॉ कर लिया जाए ठीक है आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखें इस पॉइंट को यहाँ पे इन्होंने ए नाम दिया है तो हम बेसिकली इस पॉइंट को भी ए बोल सकते हैं बिकॉज़ यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है बीच में सो देर विल बी नो पोटेंशियल ड्रॉप यानी कि इस पॉइंट को भी आप ए बोल सकते हो ये वाला पॉइंट आपका बी है तो आप इस पॉइंट को भी बी बोल सकते हो और इस पॉइंट को भी आप बी बोल सकते हो ठीक है अगर आप चाहो तो यहाँ पे सर्किट को रिड्रॉ कर सकते हो और अगर एग्ज़ाम में है तो आप यहीं से देख सकते हो कि ये जो रेजिस्टेंस है ये आपका फोर ओम दिस फोर एंड दिस एट ओम हालांकि यहाँ पे तो आपको देखना चाहिए कि ये चार ओम और ये आठ ओम आपस में सीरीज़ में है और ये दो ओम और ये चार ओम आपस में सीरीज़ में है तो देखिए किस तरीके से हम लोग सर्किट को रिड्रॉ कर सकते हैं ये आपका पॉइंट ए बना लिया ये आपका पॉइंट बी बना लिया ठीक है ये चार ओम ए और बी के बीच में है तो यहाँ पे इसको बना लेते हैं ये वाला हो गया आपका ऊपर वाला फोर ओम बढ़िया है अब यहाँ पे ये वाला जो चार ओम है और ये आठ ओम आपस में सीरीज में है तो ये हो गया आपको बारह ओम एंड दैट ट्वेल्व ओम इज़ अगेन इन बिटवीन ए एंड बी तो यहाँ पे हमने इसको लिख लिया सिंपली ट्वेल्व ओम ठीक है अब ये वाला दो ओम और ये वाला चार ओम आपको सीरीज़ में है यानी टू प्लस फोर सिक्स एंड दैट सिक्स ओम इज़ इन बिटवीन ए एंड बी तो फिर से यहाँ पे एक और बना लेते हैं ये सिक्स ओम एंड लास्ट में आपका ये जो आठ ओम है ये भी ए और बी के बीच में है तो इसको भी यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा दिस इज़ योर एट ओम ठीक है अब ए और बी के अक्रॉस ही आपका ये सेल भी लगा है और इस सेल का खुद का भी एक इंटरनल रेजिस्टेंस है द बैटरी इज 2.2 पॉइंट टू वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज पॉइंट सिक्स ओम हमसे पूछ रहा है टोटल पावर डिसिपेटेड सो दैट पावर डिसिपेटेड इज नथिंग बट वी स्क्वेयर अपॉन आर तो इस सर्किट का हमको आर इक्वेलेंट सॉल्व करना होगा यहां से देखिए तो चार बारह छः और आठ आपस में पैरेलल में है तो इन चारों का पहली बात तो आर इक्वेलेंट कितना हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी वन बाई फोर प्लस वन बाई टू प्लस वन बाई सिक्स प्लस वन बाई एट ठीक है यहां पे अगर हम लोग ट्वेंटी फोर एल सी एम ले तो ये आपको कितना हो जाएगा सिक्स प्लस टू प्लस फोर प्लस थ्री यानी कि दिस आर इज़ नथिंग बट योर ट्वेंटी फोर डिवाइडेड बाई सिक्स प्लस टू एट एट प्लस फोर ट्वेल्व ट्वेल्व प्लस थ्री फिफ्टीन यानी कि एट बाई फाइव विच इज़ नथिंग बट वन पॉइंट सिक्स राइट देर फॉर वट इज़ आर इक्वेलेंट तो आर इक्वेलेंट में तो ये चारों पैरल में है एंड दैट इज इन सीरीज विद दिस इंटरनल रेजिस्टेंस पॉइंट सिक्स ओम तो आर इक्वेलेंट आपका हो जाएगा वन पॉइंट सिक्स प्लस पॉइंट सिक्स तो ये अपने को आ रहा है टू पॉइंट टू ओम ठीक तो अब अपना आंसर आ जाएगा p इज इक्वल टू वी स्क्वायर यानी कि 2.2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इक्वलेंट सो दिस इज योर 2.2 पॉइंट टू वॉट विच इज नंबर थ्री ठीक ओके आई होप क्लियर है लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू सवाल में हमसे कहता है वॉट इक्वल लेंथ वॉट इक्वल लेंथ ऑफ एन आयरन वायर and a copper nickel alloy wire, each of each of 2 mm diameter, connected in parallel to give an equivalent resistance of 3 ohm. ठीक है सो so सिचुएशन ये है कि आपके पास यहाँ पे दो वायर है एक ये वाली वायर है और एक नीचे एक और वायर है ठीक है ऊपर वाली वायर जो है आपको वो आयरन है और नीचे वाला आपको बेसिकली कॉपर निकल अलॉय है कॉपर निकल अलॉय है ठीक है हमें इस वाली वायर का रेजिस्टिविटी दिया हुआ है इसको रोवन बोल देते हैं इस वाली वायर का रेजिस्टिविटी रो टू है ऊपर वाले का लेंथ एल होगा क्रॉस सेक्शन एरिया ए होगा नीचे वाले का भी लेंथ एल होगा क्रॉस सेक्शन एरिया ए ही होगा ठीक है हमसे ये एल पूछ रहा है सो दैट द आर इक्वेलेंट इज़ थ्री ओम बढ़िया है सो वॉट इज़ वन बाई आर इक्वेलेंट वन बाई आर इक्वेलेंट इज इक्वल टू वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू सिंपल है एकदम अच्छा नौ वन बाई आर इक्वलेंट हमें थ्री दे रखा है आर वन को क्या पुट करोगे अगर आप ध्यान से देखो तो ये आर वन कितना हो जाएगा रो वन एल बाई ए सिमिलरली यहाँ पे अगर हम लोग आर टू को लिखे सो हियर योर आर टू इज इक्वल टू रो टू एल बाई ए उसी चीज़ को यहाँ पे सब्सट्यूट कर दो तो आर वन को आप यहाँ पे ऐसे लिखोगे तो ये आपको हो जाएगा ए अपॉन रो वन इं एल प्लस ए अपॉन रो टू इं एल अब राइट हैंड साइड से आप ए अपॉन एल को कॉमन खींच लो सो ए अपॉन एल वन बाई रो वन प्लस दिस इज वन बाई थ्री वॉट इज ए इज योर क्रॉस सेक्शन एरिया विच इज नथिंग बट योर पाई डी स्क्वायर बाई फोर वे डी इज योर डायमीटर अब ध्यान से देखिएगा डी आपको दे रखा है टू एम एम सो टू एम का स्क्वायर करोगे और इस एम mm को मीटर में भी कन्वर्ट करना होगा सो so, स्क्वायर करने के बाद ये आपको आने वाला है फोर इंटू टेन टू द पावर माइनस सिक्स यानी क्रॉस एक्शन एरिया आपको इतना आ जाएगा यहां पे पुट कीजिए दिस इज योर पाई इंटू टेन टू द पावर माइनस सिक्स डिवाइडेड बाई एल एल इज योर लेंथ और यही हमें सॉल्व करना है ब्राकेट वन बाई रो वन अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमें एक रेजिस्टिविटी दे रखा है ट्वेल्व माइक्रो ओम सेंटीमीटर और दूसरा है फिफ्टी वन माइक्रो ओम सेंटीमीटर ठीक है तो उसे भी आप एस SI आई में कन्वर्ट करें माइक्रो को किया तो टेन टू द पावर माइनस सिक्स सेंटीमीटर को मीटर में किया तो टेन टू द पावर माइनस टू सो ट्वेल्व टाइम्स टेन टू द पावर माइनस एट प्लस वन अपॉन फिफ्टी वन टाइम्स टेन टू द पावर माइनस एट ठीक है अब यहाँ पे आप थोड़ा सा स्मार्टली कैलकुलेट करें यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टेंट टू द पावर माइनस एट को यहाँ से हटाइए और इसके साथ इसको कैंसिल करेंगे तो आपको यहाँ पे बचने वाला है हंड्रेड बेसिकली ठीक है सो यहाँ पे आपको हंड्रेड बचने वाला है बढ़िया है और ये जो थ्री है आप इससे इसको कट्स Uh, करेंगे तो ये फोर बचेगा इसको कट करेंगे तो ये आपको सेवनटीन बचेगा इस वाले लेंथ को लेफ्ट साइड ले जाइए जो हमें सॉल्व करना है सो एल इज़ इक्वल टू हंड्रेड इंटू पाई सो हंड्रेड इंटू पाई एंड पाई इज़ योर ट्वेंटी टू बाई सेवन ब्राकेट में आपके पास यहाँ पे वन बाई फोर प्लस वन बाई सेवनटीन है तो क्यों ना आप फोर इंटू सेवनटीन यानी कि सिक्सटी एट ले लीजिए तो ऊपर आएगा सेवनटीन प्लस फोर विच इज़ योर ट्वेंटी वन हमें बस इस वाले चीज़ को अब सॉल्व करना है तो 721 को कट करेगा तो ये थ्री हो जाएगा दिस इज़ योर 11, दिस इज़ योर 34. फोर सो लेंथ इज योर हंड्रेड टाइम्स 33 थ्री बाई थर्टी मीटर्स अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए आपको पूरा पूरा अब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 33 थ्री बाई थर्टी जो है वो आपको वन से छोटा होने वाला है ठीक है और वन से छोटा वो वैल्यू होगा मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड यानी कि आपको जो आंसर है ना वो नाइन्टी से ऊपर होगा और यहाँ पे नाइन्टी से ऊपर एक ही ऑप्शन देख रहा है नाइन्टी सेवन तो आप ये ऑप्शन को टिक कर सकते हैं आसानी से ठीक है आप चाहो तो इसको डिटेल में सॉल्व भी कर लेना थर्टी थ्री बाई थर्टी फोर आपको आने वाला है पॉइंट नाइन सेवन ठीक ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री अच्छा इफ़ यू आर प्रोवाइडेड अ सेट ऑफ रजिस्टेंसेज टू ओम फोर ओम सिक्स एंड एट कनेक्ट दीज रजिस्टेंसेज सो एज टू ऑप्टेन एन इक्वेलेंट रजिस्टेंस ऑफ फोर्टी सिक्स बाई थ्री ओम यहाँ पर चार ऑप्शन है सो तो बेसिकली यहाँ पर आपको चारों चेक करना पड़ेगा ठीक है अब जनरली इन ऑप्शनस को इस तरीके से सेट से किया जाता है कि बच्चा ऊपर से शुरू करता है ना तो आपको जो आंसर होगा ना वो लास्ट टू में से कोई होता है तो जब ऐसा कोई सवाल देखो तो नीचे से शुरू करना सॉल्व करना ठीक है एंड वेन यू विल डू आपका आंसर नीचे वाले में से कोई एक होता है फॉर एग्जाम्पल यहां पे क्या बोलता है टू एंड फोर ओम आर इन पैरल विथ सिक्स एंड एट इन सीरीज तो ये सिचुएशन ऐसा है दो ओम और आठ ओम और आपस में ये लोग सीरीज में हैं, किसके साथ सिक्स ओम एंड एट ओम दिस फेलो इज योर टू ओम एंड दिस फेलो इज योर फोर ओम आप इसका आर इक्वेलेंट चेक कर लो सो आर इक्वेलेंट इज इक्वल टू हाउ मच टू और फोर आपका पैरल में है यानी कि टू इंटू फोर डिवाइडेड बाई टू प्लस फोर प्लस ये दोनों आपस में सीरीज में है तो सिक्स प्लस एट तो ये आपको कितना हो जाएगा दिस इज योर एट बाई सिक्स प्लस फोर्टीन यहाँ पे ध्यान से देखिए तो ये थ्री है ये आपका फोर है सो फोर प्लस एल लिया तो ये आपको आने वाला है फोर्टी टू बाई थ्री सो दिस इज फोर्टी सिक्स बाई थ्री ओम एंड यू कैन सी कि ये आपका मैच कर जाएगा तो हमेशा नीचे से ही ऑप्शन को चेक करना शुरू करें तो आपको जल्दी आपका आंसर मिलेगा ठीक है अगर कोई बच्चा ऊपर से शुरू करता है तो वो सबको चेक करता हुआ फिर फोर्थ तक पहुँचेगा ठीक है यही इसका तरीका है नथिंग एल्स चलिए ओके लेट सी दी फोर्थ नंबर क्वेश्चन एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 500 हंड्रेड वॉट एट सॉ वोल्ट इज यूज इन अ सर्किट है टू हंड्रेड वोल्ट सप्लाई कैलकुलेट द रेजिस्टेंस आर टू बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द बल्ब सो दैट पावर डिलीवर्ड द बल्ब इज फाइव हंड्रेड वॉट अब इसका मतलब क्या है कि एक बल्ब है ऑफ फाइव हंड्रेड वॉट एट हंड्रेड वोल्ट इसका मतलब यह है कि अगर उस बल्ब के अक्रॉस हंड्रेड वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है तब वो बल्ब 500 हंड्रेड वॉट कंज्यूम करता है तो हमसे कहता है कि उस बल्ब के साथ सीरीज़ में ये रेजिस्टेंस आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि ये बल्ब आपको 500 सौ वाट कंज्यूम करे ठीक है 500 सौ वॉट ये बल्ब कंज्यूम करे इसका मतलब है कि इसके अक्रॉस 100 वोल्ट होगा तो बाकी बचा 100 वोल्ट इसके अक्रॉस है अब अगर इस बल्ब का रेजिस्टेंस हम लोग आर बी मान लेते हैं तो ये दोनों रेजिस्टेंस को हंड्रेड परसेंट सेम होना चाहिए ताकि आपका ये टू हंड्रेड वोल्ट का डिविजन इक्वल हुआ तो हमें यह पता चल गया है कि दिस आर इज नथिंग बट रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब एंड व्हाट इज रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब दैट इज इक्वल टू योर वी स्क्वेर बाई पी है ना वी स्क्वेयर बाई पी वेर वी इज योर हंड्रेड वोल्ट बल्ब का जो पावर रेटिंग है सो हंड्रेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय योर फाइव हंड्रेड और यहां से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे आप ध्यान से देखिए तो ये आपको आने वाला है ट्वेंटी ओम्स विच इज योर ऑप्शन नंबर वन क्लियर है एकदम चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव फाइव आइडेंटिकल सेल्स ईच ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस वन ओम एंड ई एम एफ फाइव वोल्ट आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड एन पैरल विथ एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर तो आपने एक बारी सीरीज में जोड़ा हुआ है और एक बारी पैरल में जोड़ा हुआ है फॉर वॉट वैल्यू ऑफ आर करेंट इन सीरीज एंड पैरल कॉम्बिनेशन विल रिमेन सेम ठीक है तो हमारे पास ये सिचुएशन है यहाँ पे आपके पास पांच आइडेंटिकल सेल है तो एक दो बीच में यहाँ पे डैश डैश है यानी कि दो और होंगे और ये आपका फिफ्थ वन ये आपने कनेक्ट किया है इन सीरीज विथ दिस रेजिस्टेंस आर और सेकेंड सिचुएशन में सब कुछ पैरल में है ठीक है हमसे क्या कहता है कि इस आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि जो करेंट हो इसके अंदर वो सेम होना चाहिए करंट शुड बी सेम तो कुछ नहीं दोनों के करंट के इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे लेफ्ट साइड में अगर आप ध्यान से देखें तो बेसिकली ये सवाल जो है ना आपका ई e ईक्वेलेंट का सवाल है आपने एक सेक्शन पढ़ा होगा ई एम का इक्वेलेंट तो ये वही सवाल है तो लेफ़्ट वाले में अगर हम करंट की बात करें तो वो आपको हो जाएगा ई इक्वेलेंट अपॉन आर इक्वेलेंट अब इस केस में आपका ये सेल का सारा बैटरीज एडअप हो जाएगा तो फाइव आपको कितनी बार है पाँच बार है सो आई कैन राइट फाइव इंटू फाइव दैट इज़ योर ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाई आर इक्वेलेंट तो यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस यहाँ पे वन वन पाँच बारी है तो फाइव ओम प्लस कैपिटल आर सो फाइव प्लस कैपिटल आर इज इक्वल टू अब इस वाले करंट को लिखने से पहले आपको पैरेलल वाला भी पता होना चाहिए कि पैरेलल में इस इस पूरे सर्किट को हम लोग यहाँ पे रिड्रॉ कर सकते हैं किस तरीके से ये आपको रेजिस्टेंस आर हो गया और नीचे वाला जो ये पूरा पोर्शन है आप इसको रिप्लेस कर सकते हो एक सिंगल ईएमएफ से और एक सिंगल रेजिस्टर से जहाँ पे ये वाला जो ईएमएफ होता है क्योंकि ये पांचों सेम है तो ये ई e ही रह जाएगा और ये जो आपका आर इक्वलेंट होगा इंटरनल रजिस्टेंस का वो आपको हो जाएगा आर बाई फाइव ठीक है सो बेसिकली आर बाई एन होता है यहाँ पे ये आर बाई फाइव हो जाएगा सो so अगर आप यहाँ पे हम आई को लिखे सो दैट इज गोइंग टू बी योर ई इज़ योर फाइव वोल्ट अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर अपॉन फाइव सो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर की वैल्यू वन है सो वन बाई फाइव ठीक है अब हमें इसको बस ईजिली सॉल्व uh, कर लेना है uh, अगर हम राइट right साइड में डिनोमिनेटर वाले फाइव को एलसीएम ले ले राइट right? तो ये वाला फाइव ऊपर जाके ट्वेंटी फाइव बना देगा एंड दिस इज गोइंग टू बी ऑर फाइव आर प्लस वन सो ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव आपका खत्म हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इसको ईजिली सॉल्व कर लेंगे दिस इज योर फाइव प्लस आर सो दिस इज गोइंग टू बी ऑर फोर आर इज इक्वल टू फोर यानी कि आर की वैल्यू वन ओम होगी विच इज योर ऑप्शन नंबर वन क्लियर एकदम ठीक है तो ये ई एम इक्वलेंट के कॉन्सेप्ट को पढ़ लीजिए अगर नहीं ध्यान में है तो तो ये अपना सिक्स क्वेश्चन है इसमें हमसे बोलता है फर्स्ट अ सेट ऑफ एन इक्वल रेजिस्टर्स ऑफ टेन ओम ईच आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ बैटरी ऑफ ई एम एफ ट्वेंटी वोल्ट एंड रेजिस्टेंस टेन ओम अ करंट आई इज ऑब्जर्व टू फ्लो उसके बाद सिमिलर सिचुएशन है लेकिन पैरल में ठीक है इट इज़ ऑब्जर्व दैट द करंट इज़ इंक्रीज ट्वेंटी टाइम्स वेन सिचुएशन इज़ इन पैरल तो हमसे उस एन की वैल्यू पूछ रही है कितना वो रजिस्टर्स था उनकी क्वान्टिटी पूछी जा रही है तो ये आपके सामने सिचुएशन है आ, पिछले सवाल जैसा ही है थोड़ा बहुत सिमिलर है तो इस केस में मान लेते हैं आपको जो करंट है वो आई है देन इन द सेकेंड सिचुएशन करंट इज़ गोइंग टू बी ट्वेंटी आई ठीक है अब फर्स्ट सिचुएशन में आपके पास ये जो 10 ओम है वो एन टाइम्स है और सेकेंड सिचुएशन में ये जो 10 ओम रजिस्टर्ड स्पैरल में है वो भी एन टाइम्स है तो पहले सिचुएशन में अगर हम करंट आई को लिखे तो वो हम लिख सकते हैं ट्वेंटी अपॉन ट्वेंटी अपॉन पूरे सिस्टम का आर इक्वल दैट इज गोइंग टू बी टेन प्लस ये आपको एन टाइम्स है यानी कि टेन प्लस टेन इंटू एन यानी कि आपका जो आई हो जाएगा इफेक्टिवली योर आई इज गोइंग टू बी नथिंग बट टू अपॉन वन प्लस एन ठीक है इसको इक्वेशन नंबर वन बोल देते हैं ना सेकेंड सिचुएशन में ये जो आपका करेंट ट्वेंटी आई है दैट इज ट्वेंटी आई इज इक्वल टू बैटरी आपके पास ट्वेंटी वोल्ट है डिवाइडेड बाई टेन प्लस और ये जो दस है वो आपको पैरल में है यानी कि टेन अपॉन एन इम्प्लाइज ट्वेंटी टाइम्स इस करंट को हम इक्वेशन नंबर वन से रिप्लेस कर देते हैं तो वन प्लस एन हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पे आप इन जीरोस को कैंसिल आउट कर सकते हो सो दिस इज गोइंग टू बी योर और डिनोमिनेटर के इस एन को एलसीएम ले लो तो ये आपको हो जाएगा टू एन अपॉन एन प्लस वन तो आप देख सकते हैं इजिली आप इसको इसको कट कर दोगे ये वाला टू भी कट हो जाएगा और आपका एन जो है वो ट्वेंटी आंसर आ जाएगा सो दिस इज़ योर ट्वेंटी ठीक है चलिए लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवेंथ ये सवाल आपका बहुत ही ईजी सा सवाल है लेकिन तब अगर आपको कलर कोडिंग याद है ठीक है हमारे रिविजन वीडियोज़ में भी ये वाला टेबल आपको मिलेगा इवन पी डी एफ में भी अटैच्ड है इसको याद रखे तो आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं हमें यहाँ पे एक रजिस्टर दिया हुआ है यहाँ पे कलर्स दे रखे हैं वाइलेट ग्रीन रेड गोल्ड, इलट का जो नंबर है वो हमारे पास यहाँ पे सेवन है ग्रीन का नंबर फाइव है रेड का नंबर टू है और गोल्ड होने का मतलब है कि जो आपका टॉलरेंस है वो आपको फाइव परसेंट है ठीक है सो so, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा सेवन फाइव मल्टीप्लाइड बाई टेन टू दी पावर रेड का जो नंबर है दैट इज़ योर टू और यहां पे आपको आ जाएगा प्लस माइनस टॉलरेंस यानी कि फाइव परसेंट ऑफ दिस रेजिस्टेंस विच इज येड सो आंसर कितना हो जाएगा सेवेंटी फाइव हंड्रेड प्लस माइनस एंड फाइव परसेंट ऑफ सेवेंटी फाइव हंड्रेड कितना होता है यह आपको आ जाएगा थ्री सेवेंटी फाइव सो दिस इज योर आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ ठीक चलिए लेट सी योर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट इजी क्वेश्चन है ये भी द रेशियो ऑफ द इक्वेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी ए एंड बी वैन स्विच इज ओपन एंड वैन स्विच इज़ क्लोज तो अगर आपका ये स्विच ओपन है तो ये आर और ये टू आर आपस में सीरीज़ में होगा ये टू आर ये आर भी आपस में सीरीज में होगा वो दोनों आपस में पैरल में होंगे तो इसका हो जाएगा थ्री आर इसका हो जाएगा थ्री आर सो वॉट इज गोइंग टू बी दी आर इक्वेलेंट इन दर्स्ट सिचुएशन दैट इज गोइंग टू बी आर थ्री आर बाई टू सेकेंड सिचुएशन में अगर हम ध्यान से देखें हमको बोलता है कि स्विच को क्लोज कर दिया गया है तो अगर आपने स्विच को क्लोज कर दिया है अब ये दोनों आपस में पैरल में हो जाएंगे यानी कि इसका हो जाएगा आपको 2r आर बाई थ्री ये दोनों आपस में पैरल में हो जाएंगे यानी इनका हो जाएगा 2r आर बाई थ्री और ये 2r आर बाई थ्री आपस में सीरीज में है यानी कि ये आपको आने वाला है 2r आर बाई थ्री प्लस टू आर बाई थ्री विच इज योर 4r आर बाई थ्री तो ये दोनों हो गया आपका और इसका रेशियो पूछ रहा है हमसे इनका हमसे रेशियोज पूछ रहा है देयर फॉर आर वन बाई आर टू इज इक्वल टू आर आर कट जाएगा नाइन थ्री ऊपर जाएगा तो नाइन और टू नीचे आएगा तो ये एट सो नाइन बाई एट इज योर आंसर तो एक्स की वैल्यू नाइन हो जाएगी क्लियर एकदम चलिए लेट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन्थ कंसिडर अ गैलवनोमीटर शंटेड विथ फाइव ओम रेजिस्टेंस तो आपके पास यहाँ पे एक गैलवनोमीटर है और यहाँ पे आपको एक शंट है ऑफ रेजिस्टेंस ओम, राइट? हैलवनोमीटर का अपना ही एक रेजिस्टेंस होगा आर जी राइट टू परसेंट ऑफ करेंट पासिस थ्रू इट तो कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे करंट आई है तो दो परसेंट करेंट इसमें जा रहा है यानी कि पॉइंट जीरो टू मल्टीप्लाइड बाई आई इसमें जा रहा है तो बाकी बचा पॉइंट नाइन एट आई ऊपर जा रहा होगा हमसे पूछता है व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन गैल्वेनोमीटर हमसे आर जी की वैल्यू पूछ रही है तो जनाब इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम होना है यानी कि पॉइंट ज़ीरो टू आई इन टू आर जी शुड बी इक्वल टू पॉइंट नाइन एट आई मल्टीप्लाइड बाई फाइव क्लियर एकदम सो करंट से करंट हमने यहाँ पे कैंसिल कर दिया सो योर आर जी इज इक्वल टू नाइनटी एट सॉरी नॉट नाइन्टी एट ये डेसिमल डेसिमल आप उड़ा सकते हो टू को नाइन्टी एट डिवाइड करेगा तो ये हो जाएगा फोर्टी नाइन टाइम फाइव सो दिस इज गोइंग टू बी फाइव नाइन फोर्टी फाइव दिस इज योर टू फोर्टी फाइव ओम टू फोर्टी फाइव येस इट इज इन द ऑप्शन ऑप्शन नंबर थ्री ठीक है चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेन स्क्वायर शेप्ड वायर विथ रेजिस्टेंस ऑफ ईच साइड थ्री ओम इज बेंट टू फॉर्म अ सर्कल तो आपके पास पहले एक स्क्वायर शेप था इसके ईच साइड आपको तीन ओम के बराबर थे फिर आपने इस पूरे शेप को है ना एक सर्कल में कन्वर्ट कर दिया है कर दो भाई आपने इसको सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है हमसे पूछता है द रेजिस्टेंस बिटवीन द टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स यानी कि अगर यहाँ पे एक पॉइंट ए ले लिया है एक पॉइंट बी ले लिया है तो इस ए और बी के अक्रॉस हमसे आर इक्वलेंट पूछ रहा है तो ऊपर वाले का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा ये आपको हो जाएगा बेसिकली सिक्स ओम राइट और नीचे वाले का रेजिस्टेंस आपके पास हो गया है अगेन सिक्स ओम समझ में आ रहा है ना तो अब हमसे ए और बी के अक्रॉस आर इक्वेलेंट पूछ रहा है तो ये छ और ये आपस में हो गया है पैरल में तो आर इक्वेलेंट कितना आ जाएगा सिक्स और सिक्स पैरल में है तो थ्री ओम सो थ्री इज द आंसर राइट थ्री इज द आंसर बहुत ईजी सवाल है विद इन थर्टी सेकेंड्स आपको ये सवाल एग्जाम में क्रैक करना है चलिए आगे बढ़ते हैं लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ देखिए द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस फिफ्टीन ओम रेजिस्टेंस इन द गिवन फिगर विल बी हाउ मच तो ये जो आपको 15 ओम का रेजिस्टर है इसके अक्रॉस हमसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जा रहा है तो एक काम करते हैं इसको नाम दे देते हैं ए और इसको नाम दे, दे देते हैं बी सो बेसिकली हमसे ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है अब क्या करो सबसे पहले थोड़ा सा इस सर्किट को ना एक बार रिड्रॉ कर लेते हैं तो ये जो पॉइंट है सी और ये जो पॉइंट है डी इसको यहाँ पर एक बार ही बना लिया अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको रिड्रॉ किया जाए तो ऊपर में आप ध्यान से देखिए तो ये फोर और ये फोर का इक्वेलेंट कितना हो जाएगा टू तो यहाँ पे हमने बना लिया है टू ओम ठीक है ये आपको हो गया टू ओम यहाँ पे ऑलरेडी एक टू ओम है तो उसको भी बना लेते हैं ये भी आपको हो जाएगा टू ओम और इस ए और बी के क्रॉस पंद्रह और दस आपस में पैरल में है तो इनका इक्वेलेंट कितना हो जाएगा फिफ्टीन और टेन का सो फिफ्टीन इंटू टेन डिवाइडेड बाई फिफ्टीन प्लस टेन यानी कि ट्वेंटी फाइव तो ये आपको निकल के आ रहा है छः तो यहाँ पे एक हमने बना लिया है ओम ठीक है ध्यान से देखिएगा सो दिस इज योर सिक्स ओम और ये सिक्स ओम के अक्रॉस ही तो है ये दो टर्मिनल्स ए एंड बी राइट तो ये जो दो टर्मिनल्स है मेरा ए और बी हमें इसके अक्रॉस ही बेसिकली निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस नीचे में भी अगर हम उसी तरीके से सिंप्लीफाई करें तो आठ और आठ का इक्वेलेंट हो जाएगा चार ओम और ये दोनों बारह और बारह का इक्वलेंट हो जाएगा छः ओम ठीक है ये आपका हो गया है ओम बढ़िया है और यहां से आपके पास एक बैटरी है और एक रेजिस्टेंस और है दिस इज योर वन ओम दिस इज योर टूवेल्व वोल्ट ठीक अब यहां पे आप ध्यान से देखिए टू टू और सिक्स ये कितना हो जाएगा टेन और ये भी आपको टेन है तो इन दोनों का इक्वल कितना हो जाएगा टेन और टेन का हो जाएगा फाइव दैट फाइव ओम इज इन सीरीज विद दिस वन ओम यानी कि फाइव प्लस वन सिक्स तो करंट कितना निकल रहा है यहां से दिस करंट इज हाउ मच दिस करंट इज इक्वल टू बैटरी अपॉन पूरा इक्वेलेंट विच इज योअर 6 होम सो दिस इज गोइंग टू बी योर 2 एम्पियर यानी कि यहां से करंट आपको निकल रहा है दो एम्पियर और यहां पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन होना है नॉ क्योंकि ये भी दस है और ये भी दस है तो करंट इक्वल इक्वल डिवाइड हो जाएगा तो यहां पे भी आपको वन एम्पियर और नीचे में भी आपको वन एम्पियर घुसा है तो ऊपर में वन एम्पियर जा रहा था सो वॉट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल ए एंड बी दैट इज गोइंग टू बी योर करंट इंटू रेजिस्टेंस

सो so बेसिकली इस फाइव ओम का इस पूरे सवाल में कोई रोल ही नहीं है बात समझ में आ रही है अगर आपने इस टर्मिनल को ए बोल दिया है सॉरी यहाँ पे ऑलरेडी ए लिया हुआ है इसको अगर हमने एक्स बोल दिया है तो यहाँ से यहाँ देखिए आपको इस ये भी आपको एक्स है सो so इसके थ्रू आपको बेसिकली कोई करंट नहीं फ्लो करना राइट तो आप इस सर्किट में ना इस वाले फाइव ओम को इग्नोर कर सकते हैं तो इसको देखिए हमने यहाँ से बेसिकली हटा दिया है ये देखिए वी हैव रिमूवड दिस पार्ट राइट right. अब आप देख सकते हैं सवाल आपको हो गया है ईजी ये दो ओम और ये दो ओम आपस में पैरल में है यानी कि वन ओम नाउ दैट वन ओम इज़ गोइंग टू बी इन सीरीज विद दिस टू ओम तो वन प्लस टू थ्री हो जाएगा राइट right. और वो थ्री ओम इसके साथ और इसके साथ पैरल में है बात समझ में आ रहा है अगर हम लोग इसको यहाँ पे थोड़ा सा रिड्रॉ कर दे तो ये आपका ए बी है आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे एक तीन ओम है यहाँ पे आपके पास एक तीन ओम है दीज टू आई एम नॉट चेंजिंग एनी थिंग बट ये दो ओम ये दो ओम पैरेलल में है तो इसका वन ओम आता है और उस वन और टू का सीरीज में थ्री ओम आता है सो so आपके पास बेसिकली यहाँ पे एक और थ्री ओम है Now ये तीनों ही आपको पैरेलल में है तो फाइनल आंसर जो मेरा हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी थ्री अपॉन थ्री क्योंकि तीन बार है तो ये आपको हो जाएगा आंसर वन ओम दिस इज योर ऑप्शन नंबर फोर क्लियर है आई होप आप इस तरीके से जल्दी जल्दी इस इन सवालों को सॉल्व कर पा रहे हैं ठीक चलिए यह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रजिस्टर डिसिपेट्स 192 नाइन्टी टू जूल ऑफ एनर्जी इन वन सेकेंड वेन अ करेंट ऑफ फोर एम्पियर पास्ड थ्रू इट ठीक है तो ये आपको बेसिकली रजिस्टर है और अगर एक रेजिस्टर से आई करंट फ्लो करता है देन द हीट डिसिपेटेड इज बेसिकली गिवन बाई आई स्क्वायर आर इन टू टी तो हमारे पास पहला सिचुएशन क्या है कि भैया जो हीट डिसिपेटेड है वो है 192। व्हेन टू द करंट इज़ फोर एम्पियर तो फोर का स्क्वायर रेजिस्टेंस हमें नहीं दिया है तो उसको आर मान लेते हैं और टाइम हमारे पास वन सेकेंड है सेकेंड सिचुएशन में हमसे क्या बोलता है नाउ वेन द करंट इज़ डबल्ड राइट एंड द अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी डिसिपेटेड इन फाइव सेकेंड इज अकॉर्ग टू बी हाउ मच तो हमसे हीट पूछ रहा है वेन दी करंट इज डबल पहले चार एम्पियर था अब हो गया है आठ एम्पियर रजिस्टर वही रहने वाला है एंड टाइम हैज बिन इंक्रीज टू फाइव सेकेंड्स दिस इज ऑर इक्वेशन नंबर टू हमें यहाँ पे एच की वैल्यू पूछी जा रही है तो क्यों ना इक्वेशन नंबर टू और वन को आपस में डिवाइड कर दिया जाए यानी कि एच अपॉन वन नाइनटी टू इज इक्वल टू एट स्क्वायर इंटू आर इंटू फाइव डिवाइडेड बाई फोर स्क्वायर इंटू आर इंटू वन तो यहां पे आप देख सकते हैं आपका आर से आर खत्म इसको इसको कट करेंगे तो यहां पे आपको फोर बचने वाला है यानी योर आंसर इज एच इज इक्वल टू वन नाइन्टी टू टाइम्स ट्वेंटी इसको मल्टीप्लाई किया तो फोर टू नाइन एटीन थ्री जीरो सो थ्री एट फोर जीरो जूल्स सो द आंसर हियर इज गोइंग टू बी थ्री एट फोर जीरो क्लियर है एकदम चलिए लेट सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन यूनिफॉर्म हीटिंग वायर ऑफ रेजिस्टेंस थर्टी सिक्स ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ टू फोर्टी वोल्ट द वायर इज देन कट इंटू हाफ राइट तो सबसे पहले फर्स्ट सिचुएशन को देख लेते हैं आपके पास यहाँ पे बेसिकली एक रजिस्टर है जो आपको थर्टी सिक्स ओम का है और इसके अक्रॉस आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया हुआ है टू फोर्टी वोल्ट का न सेकेंड सिचुएशन में क्या हो रहा है द वायर इज कट हाफ तो एटीन एटीन ओम्स ईच हो जाएंगे ये एक एटीन ओम और यहाँ पर एक और एटीन ओम दिस इज योर एटीन ओम्स ईच और इन दोनों के अक्रॉस फिर से टू फोर्टी वोल्ट का ही पोटेंशियल डिफरेंस है यानी इसके अक्रॉस भी टू फोर्टी वोल्ट है और इसके अक्रॉस भी टू फोर्टी वोल्ट्स है द रेशियो ऑफ पावर डिस्ट्रिपेशन इन द फर्स्ट केस टू द टोटल पावर डिस्ट्रिपेशन इन द सेकेंड केस वुड बी हाउ मच राइट सो बेसिकली पी वन अपॉन पी टू हमको निकालना है वेर पी वन इज वॉट वी स्क्वायर बाई आर होता है फर्स्ट सिचुएशन में आपका v कितना है 240 फोर्टी स्क्वायर अपॉन आर डिवाइडेड बाई सेकेंड सिचुएशन में टोटल पावर निकालना पड़ेगा तो जितना पावर इसमें होगा उतना ही पावर इसमें होगा राइट सो बेसिकली टू टाइम्स हो जाना है सो टू टाइम्स मल्टीप्लाइड बाई टू फोर्टी टू फोर्टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एटीन खत्म इसे बस आपको सॉल्व कर देना है सो टू फोर्टी का स्क्वायर टू फोर्टी का स्क्वायर आपका खत्म हो जाएगा एटीन इसको कट करेगा तो ये टू हो जाएगा लेकिन ये टू आपको नीचे आने वाला है सो टू इन टू टू इज फोर सो वन बाई फोर इज़ द आंसर इसको कंपेयर किया तो एक्स की वैल्यू फोर निकल के आती है क्लियर है चलिए दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड आई होप आपको पूरा सेशन क्लियर है एंड इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग इट दैन डू सब्सक्राइब टू द चैनल हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको कोई भी नया अपडेट मिस नहीं हो एंड वी शैल बी मीटिंग इन मोर वीडियो तब तक लिए टेक केयर एंड बाय